हेलो बेटा, कैसे हो? स्वागत है पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म में। आज हम हमारी सफलता टेस्ट सीरीज की जो 6 टेस्ट थी उसमें जूलॉजी का जो आपका पेपर था, है ना, वो जूलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो आज डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो देखो, जूलॉजी के पेपर में आपका पहला मतलब लेसन जो था ये है अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, करेक्ट। अब पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा है भाई, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब। मुझे बताइए, हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए जो सिस्टम है वो कौन सी सिस्टम है? ये हमारी, हाँ जी, इम्यून सिस्टम। कहाँ नजर आ रही? पहले वाली में ही प्रेजेंट है ना। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए आना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी प्रोटेक्ट कर रही है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड मटेरियल को ब्रेक कर रही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रही है ना। तो इम्यून सिस्टम इज दी ओनली वन जो क्या कर रही है, हमारे बॉडी को डिफेंड कर लेती है, करेक्ट। चलिए फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आर बर्थ। हमारे बर्थ से जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है बॉडी में उसको क्या बोला जाता है? तो एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इनेट, है ना। इनेट माने ही ऐसी चीज जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही प्रेजेंट है, जब से अपन जन्मे तब से ही प्रेजेंट है ना। तो जो इम्यून सिस्टम बाय डिफॉल्ट ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है उसको हम इनेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। कहाँ नजर आ रहा है इनेट का ऑप्शन? पहले वाले में ही है ना। तो हमारा राइट आंसर जो है वो भी क्या, ऑप्शन ए है। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है, देखो क्या पूछा है भाई, न्यूट्रोफिल बेसोफिल लिम्फोसाइट इओसिनोफिल एंड मोनोसाइट आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये सारी जो सेल्स है ना, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, ये हमारी सेल्स है जो क्या करती है, डब्ल्यू बी सीज के बेसिकली टाइप है, एंड ये हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज आर दी सेल्यूलर टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना, जो सेल्स हमारे बॉडी को डिफेंड कर रहे हैं, ये सेल्यूलर टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? ये आ जाना चाहिए भैया, ऑप्शन बी, करेक्ट है। चलो फिर उसके बाद में देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमको पूछा है बी सेल एंड टी सेल आर टू टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इन। अब बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट ये जो सेल है ना, ये क्या करते हैं जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आता है ना, तो उसको पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्ट। उसके अगेंस्ट बी लिम्फोसाइट एंटीजन बनाएगा, करेक्ट, एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी फिर उसको मिक्स एंड मैच करके कनेक्ट होगी, है ना। बाद में टी लिम्फोसाइट आएंगे उसको किल करेंगे वगैरह। तो ये सारी जो चीज़ें चल रही है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। जब क्योंकि पैथोजन को तुम्हारे बॉडी में एंटर करना पड़ेगा ना, ये बर्थ के बाद में आ रही है, बर्थ के बाद अपन डेवलप कर रहे हैं, बाय बर्थ पहले से ही प्रेजेंट नहीं है, ये बाद में हमने डेवलप करी, करेक्ट। तो हमारे इसमें एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहाँ नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है भाई, ऑप्शन डी में, है ना। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, दी कॉमन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय प्योर इम्यून सिस्टम इंक्लूड। जो हमारी सॉरी पुअर इम्यून सिस्टम, अगर हमारी इम्यून सिस्टम अगर खराब है ना, तो खराब इम्यून सिस्टम की वजह से हमको जो डिजीजेस होते हैं उन डिजीजेस, वो डिजीजेस कौन से हो सकते हैं? पहले दिया एपिडेमिक डिजीज, दूसरा है डेफिशिएंसी डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज और नन ऑफ दी अबव। अब सबसे पहले तो देखो, एपिडेमिक डिजीज मतलब क्या, कि किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर अपन ऐसे बोलते हैं ना कि भैया ये वाला जो डिजीज, इसकी तो मतलब यही है, मतलब ये मराठीत म्हणतो ना अपन, याची साथ शुरू है या डिजीज ही, है ना, ये डिजीज ही चल रहा है, तो वो एपिडेमिक किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जो बहुत प्रिवेलेंट डिजीज है। दूसरा है डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी मतलब कोई विटामिन की कमी हो गई तो उसके असर आपके बॉडी पे दिख रहा है, वो हो गया डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब आपकी इम्यून सिस्टम खुद की ही बॉडी पे अटैक करती है, सो दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। तो हमें पूछा है कि कॉमन डिसऑर्डर कॉज बाय प्योर पुअर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम अगर अच्छी नहीं है तो आपके आजू बाजू के इलाके में जो डिजीज अभी चल रहा है वो आपको भी हो जाएगा, है ना। मतलब कौन सा डिजीज हो सकता है आपको? एपिडेमिक डिजीज हो सकता है ना। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ना, पैसिव इम्यूनिटी का मसला क्या है, ये इम्यून सिस्टम एक तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन से रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते हैं, है ना, रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते हैं। अब ये नेचुरल पैसिव इम्यून सिस्टम हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यून सिस्टम हो सकता है। नेचुरल पैसिव जैसे हम जो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी फीड्स ऑन दी मिल्क ऑफ दी मदर, तो मदर के मिल्क में क्या होता है, कुछ स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। या फिर अब जैसे हमने देखा है कि
किसी अगर किसी स्नेक ने हमको काट लिया है ना, तो स्नेक के अगेंस्ट एंटीवेनम या फिर कुछ एंटीबॉडीज जो है करेक्ट, वो कहाँ से निकाली जाती थी? वो पहले अपना जो हॉर्सेस थे ना, हॉर्सेस से हम रेडीमेड एंटीबॉडीज लेते थे करेक्ट. तो ये रेडीमेड एंटीबॉडीज जब ली जाती है, हमारी बॉडी खुद नहीं प्रोड्यूस करी, हम किसी दूर से उधार, दूसरे से उधार ले रहे हैं, है ना, दूसरे की एंटीबॉडीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जितना लाइफ स्पैन होगा वो एंटीबॉडीज का, तब तक ये चलेगी, बाद में ख़त्म हो जाएगी, है ना. मतलब बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है इस तरीके की इम्यून सिस्टम. चलो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? देखो पहले बोला दिस इम्यून कॉजेज रिएक्शन, इम्यूनिटी कॉजेज रिएक्शन. भाई कौन सी रिएक्शन, कुछ तो स्पेसिफाई करो, ये अजीब ही लग रहा ऑप्शन है ना. दिस इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली. क्या पूछा हमको? ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी. देखो इमीडिएटली डेवलप होता है, ठीक है, ये भी अपन बोल सकते हैं. दिस इम्यूनिटी लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स. ये वाला ऑप्शन जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि क्या है, ये जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए क्या है, इट इज़ एप्लीकेबल, है ना. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है हमको, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट कोई सेंस नहीं बना रहा है ना. तो हमारा जो आंसर जो है, इट शुड बी ऑप्शन सी, है ना. दिस इम्यूनिटी, ये वाली जो इम्यूनिटी है ये क्या कर रही है, इट लास्ट ओनली फॉर few weeks और few months, है ना. चलो फिर उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड. इम्यून सिस्टम की जो हम स्टडी करते हैं उसमें जो इन मतलब वो जो अपना वो जो अपनी फील्ड है ना, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको क्या बोला जाता है, उसको भाई इम्यूनोलॉजी बोला जाता है. बट ऑब्वियस इम्यून सिस्टम की तुम स्टडी कर रहे हो तो उसको तुम इम्यूनोलॉजी ही बोलोगे ना, और क्या बोलोगे, है ना. चल नेक्स्ट देखो क्या पूछा है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है ना, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्पेशली हमारी कौन सी सेल्स प्रोवाइड करती है, तो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय आवर लिम्फोसाइट, स्पेशली टी लिम्फोसाइट. क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो है, टी सेल्स जो है, इसके कितने टाइप है, वी हैव फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल, है ना. कौन से, टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, एक होता है हमारे टी सप्रेसर, और टी मेमोरी, है ना. तो ये सारी सेल्स ही डायरेक्टली क्या कर रही है, हमारे इम्यून सिस्टम में और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो रही है ना. तो हमारा जो राइट आंसर है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसने प्रोवाइड करी भैया, ये प्रोवाइड करी है हमारे टी सेल्स ने, है ना, टी लिम्फोसाइट्स ने, ठीक है. चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे लॉन्ग स्टैंडिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शियस एजेंट. लॉन्ग स्टैंडिंग इम्यूनिटी जो है ये कौन प्रोवाइड कर रही है, बहुत देर के लिए, है ना, ज़्यादा टाइम के लिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है हमारे बॉडी को, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं, है ना. हमको ऑप्शन दिए एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा दिया पैसिव इम्यूनिटी, बाद में बोला है बोथ ए एंड बी, और सबसे लास्ट में बोला है नन ऑफ द अबव. अब भाई जब लॉन्ग लास्टिंग की बात आ रही है, तो जो पैसिव इम्यूनिटी ये तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती, बट एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी ने खुद ने डेवलप करी वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, है ना. तो हमारा राइट आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए एक्टिव इम्यूनिटी का, है ना. चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज प्रोटेक्टिंग बैरियर फॉर द बॉडी सरफेस, ठीक है. हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिव सरफेस का काम कौन नहीं कर रहा, फिजिकल बैरियर बेसिकली इसमें से कौन सा नहीं है. फर्स्ट बोला स्किन, स्किन हमारे पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इसके वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर जो एयरबॉर्न पैथोजन है वो अटैक नहीं कर पाते, तो ये तो सही है. म्यूकस भी क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्टिव शीट प्रोवाइड करता है, कवर प्रोवाइड करता है. गैस्ट्रिक एसिड, ये भी क्या कर रहा है, हमारे बॉडी में डिफेंस ही, डिफेंस का ही काम कर रहा है, HCL वगैरह जो ये पैथोजन को किल कर देता है. सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च को ब्रेक करना, स्टार्च को ये माल्टेज के फॉर्म में ब्रेक कर देता है ना. तो भाई सॉरी माल्टोज के फॉर्म में ब्रेक करता है. तो ये तो एंजाइम है, ये इम्यून सिस्टम के काम में नहीं आ रहा है ना. तो हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है. डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर आर कॉल्ड. अब ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हो सकते हैं, फैलाए जा सकते हैं, है ना, ऐसे डिजीजेस को हम क्या बोलेंगे. बट ऑब्वियसली दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, ये क्योंकि एक दूसरे
एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ क्या किए जाते हैं, कम्युनिकेट किए जाते हैं, है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है भैया, चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या हमको पूछा है यहाँ पे कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस ये एक डिजीज है, स्पेशली विटामिन ए के कमी की वजह से ये जो डिजीज है ये हमको हो जाता है ना। बिकॉज विटामिन ए जो है हमारी आंखें और हमारी विजन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वही नहीं मिला हमको विटामिन ए तो भैया नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी ना। करेक्ट, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है चल, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या पूछा है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है ये कौन सा है ये हमें पूछा है। अब देखो ऑप्शन क्या बताया हमको, नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो हम डिजीज ट्रांसफर नहीं कर सकते, आइदर डायरेक्टली और थ्रू वेक्टर। करेक्ट, तो इनमें क्या पूछा है, कैंसर। भाई कैंसर अगर आपको है तो ना तो आपके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने से दूसरे पर्सन को कैंसर होगा, ना ही किसी पैथोजन मतलब किसी मच्छर के थ्रू, मक्खी के थ्रू, वैसा भी नहीं पास हो सकता है। करेक्ट, तो कैंसर तो नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज, ये इंसुलिन की कमी की वजह से हो रहा है तो ये भी नहीं कम्युनिकेबल। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना, वो भी कम्युनिकेबल नहीं है। इसी का मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है ना। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या है, अल्जाइमर्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो डिजीजेस है ना, ये जो कंडीशंस है, अल्जाइमर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ये किस तरीके की डिजीजेस है, किस तरीके की कंडीशंस है। अल्जाइमर में स्पेशली आपकी नर्वस सिस्टम जो है ये डिजनरेट होती जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसमें आपके बोन्स जो है बोन्स डिजनरेट होते हैं, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज तो है नहीं, डिजनरेटिव डिजीज। हाँ जी भैया, नॉन कम्युनिकेबल, एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में भी अल्जाइमर एंड ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है मेरे ख्याल से। यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ द अबो नहीं आएगा, है ना। अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस ये कम्युनिकेट तो नहीं, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज इसमें तो नहीं आएंगे, यहाँ दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है देखो हमारे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा है, दैट दी एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजुरी इज द डेफिशियंसी ऑफ। हम किसी जगह पर अगर हमको कुछ लग जाता है ना, तो उस प्लेस से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। अब ब्लीडिंग की वजह से, मतलब ब्लीडिंग तो नॉर्मल चीज़ है, बट कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, उस वाउंडेड प्लेस में एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है, ब्लड क्लॉट होता है ना। तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, वो उस मैकेनिज्म में जो वाइटमिन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वाइटमिन के, है ना। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर देता है। कहाँ नजर आ रहा है विटामिन के, ये नजर आ रहा है हमको ऑप्शन सी में। करेक्ट, चलो मतलब बताना ऐसा है कि अगर देखो विटामिन के नहीं है तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म होगा, ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म होगा तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी ना किसी की बॉडी से, तो वही एक्सेसिव ब्लीडिंग के लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फिर तो। ठीक है चलिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गॉइटर एंड दी एनलार्ज्ड थायराइड आर मेनली डायग्नोज इन दी पेशेंट्स विथ एफिशियंसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे ख्याल से डेफिशियंसी होना चाहिए, एफिशियंसी आ गया। ठीक है कोई बात नहीं, अब देखो गॉइटर वगैरह ये जो डिजीज है, गॉइटर और थायराइड का बड़ा हो जाना, ये कौन से मिनरल के नहीं होने की वजह से होता है, आयोडीन की वजह से। आयोडीन नहीं है तो फिर ये अपने थायराइड रिलेटेड डिजीजेस आ जाता है। करेक्ट, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है T3 T4, इनमें बेसिकली क्या है, आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही नहीं बना तो थायराइड रिलेटेड कंडीशन आ जाएगी, है ना। तो मतलब ही हमारा आंसर जो है यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर दी एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर हीमोफीलिया ये कंडीशंस कौन सी है, दीज आर बेसिकली आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पार्ट है। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ नज़र आ रहा है, देखो पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या हो जाता है कि जो स्पेशली अपने लंग्स की जो टिश्यूज़ वगैरह है वो डिजनरेट हो जाती है, डैमेज होने लगती है। हीमोफीलिया तो आपको पता है ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, क्योंकि जो फैक्टर 8 या फिर फैक्टर 9 जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनके लिए जो जीन है उसमें कुछ म्यूटेशन आता है, डिफेक्ट आता है। करेक्ट, तो बोथ ऑफ देम आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हेरिडिटरी डिजीज, हाँ जी जेनेटिक डिसऑर्डर को हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं, डिजेनरेटिव डिजीज नहीं बोल सकते हम इनको। डेफिशिएंसी मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस ठीक है डिजेनरेटिव में जाएगा, हीमोफीलिया डिजेनरेटिव में नहीं आ पाएगा। डेफिशिएंसी डिजीज हीमोफीलिया तुम बोल सकते हो कि कोई क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, बट एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट डेफिशिएंसी डिजीज, किसी
हम जिसको न्यूट्रिशन से जो मटेरियल हमको नहीं मिल रहा उसके डेफिशिएंसी अगर हो गई तो उसे डेफिशिएंसी डिजीज बोला जाएगा, है ना। तो ये भी नहीं आएगा, नन ऑफ दी अबव वैसे ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी आंसर जो है हमको मिल चुका है, दैट इज हेरिडिटरी डिजीज, है ना। चलो फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन जो है कि हमको पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनकी वजह से जो डिजीज होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डेफिशियंसी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज या फिर डिजेनरेटिव डिजीज। डेफिशियंसी किसकी वजह से हो रही है, खाने में कोई मटेरियल तुमको नहीं मिला उस वजह से बॉडी को उस चीज़ की डेफिशियंसी हो गई, हटाओ इसको। हेरिडिटरी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, इन्फेक्शियस किसी पैथोजन की वजह से जो इन्फेक्शन हो गया, डिजेनरेटिव जहाँ पे अपनी बॉडी पार्ट जो है ये क्या होती है डिजेनरेट होने लगती है ना। तो हमारा आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि पैथोजन एंड ऑल वही अपने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इन्फेक्शन ही तो कॉज करते हैं भैया हमको, है ना। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय प्रोटीन डेफिशियंसी। अब इन में से कौन सा ऐसा डिजीज है जिस जो प्रोटीन की डेफिशियंसी की वजह से हो रहा है। पहले बोला एनीमिया या तो आयरन या फिर आरबीसी के नंबर कम होने की वजह से होता है, क्वाशियोरकर ये जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का एग्जांपल है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन की कमी की वजह से, ऑल ऑफ देम तो आएगा नहीं क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो दो डिजीज होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मैरास्मस, है ना। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में हमको क्वाशियोरकर दिया, सो दिस इज फाइन, हमारा जो राइट आंसर है इट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है भैया। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्या पूछा है भैया हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। इनमें से कौन से अपने विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड ऐसे भी बोला जाता है, तो इफ़ यू नो हमारा विटामिन सी जो है उसको एस्कॉर्बिक एसिड ऐसे भी नाम देते हैं, है ना। एसिडिक वाला जो कंटेंट है ये हमारे विटामिन सी में काफ़ी होता है ना। चलो ए वाला तो रेटिनॉल वगैरह है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो हमको यहाँ पे पूछा गया है कि भैया फाइलेरी फॉर्म लावी आर ऑब्जर्व्ड इन, है ना। अब एक सेकंड ना बेटा, हाँ ये फाइलेरी फॉर्म लावी जो है ये हमको कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। फर्स्ट इन्होंने दिया है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, दूसरा दिया है निकैटर अमेरिकानिस, तीसरा दिया है एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइडिस और चौथा दिया है एंटेरोबियस वर्मिकुलारिस, है ना। तो इसमें से ये अपना जो निकैटर अमेरिकानिस नाम का जो हेलमिंथ है ना, ये हेलमिंथ में काफ़ी सारे लार्वल स्टेजेस आते हैं, वन ऑफ द लार्वल स्टेज जो है उसको हम बोलते हैं फाइलेरी फॉर्म लावा, है ना। तो हमारे गिवन क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो क्या पूछा है हमको, एक्सेप्ट दिस ऑल अदर एंटर थ्रू द डर्मल रूट। इनके अलावा मतलब चार ऑप्शन में ऐसा कोई तो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है डर्मल मतलब स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर नहीं करेगा, किसी दूसरे मीडियम के थ्रू क्या कर रहा है हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है, तो ऐसा कौन है। पहले दिया एनसाइलोस्टोमा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आएगा, ट्राइक्यूरिस जो है सॉरी एनसाइलोस्टोमा स्किन से आएगा, ट्राइक्यूरस ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू आता है, ये भी स्किन के थ्रू ही आता है, स्ट्रोंगिलोइडिस ये भी स्किन के थ्रू ही आ रहा है ना। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आना चाहिए अपना ऑप्शन बी वाला, है ना, क्योंकि ये हमारे स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहा, करेक्ट। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमको क्या पूछा है, द फाइलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल ऑफ, जो फाइलेरिया का जो लार्वा है ना उसको हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली जो अपना स्पेशली ये जो पेरिफेरल रीजन जो है बॉडी का, है ना, जनरली ऐसे रीजन में से हम क्या करते हैं ब्लड कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ऐसी ही रीजन में जो पेरिफेरल रीजन है उसके ही लिम्फ नोड्स में वगैरह ये जो लार्वा है ये जनरली ग्रो करने लगता है ना, या फिर उस रीजन में ये लार्वा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है। अब देखो क्या पूछा है इन्होंने, बायोप्सी ऑफ लिवर। अरे भाई बायोप्सी लेके हम क्या ही करेंगे, लिवर में जाके फाइलेरियल वर्म इन्फेक्शन नहीं कॉज करता, है ना। स्मियर ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अफेक्ट नहीं करता। स्मियर ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन को भी ये अफेक्ट नहीं कर रहा। पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट, हाँ जी भैया रात के समय ये लार्वेज जो है ये ज़रा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो भी पेरिफेरल रीजन ऑफ द बॉडी में, है ना। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है ये क्या आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा वहाँ पे, है ना। चलो उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या पूछा है क्वेश्चन, द स्पर्म ऑफ निमैटोड्स आर, जो अपने निमैटोड्स होते हैं, निमैटोड्स मतलब क्या, अपना फाइलम एस्किहेल्मिंथेस,
करेक्ट. तो निमेटोडा में जो मेल्स हैं उनके स्पर्म का शेप कैसे होता है? तो दी स्पर्म्स आर जनरली अम्यूबॉइड, किधर भी मूव कर जाता है ना, सूडोपोडियल टाइप की मूवमेंट बताते हैं. तो हमारा राइट आंसर जो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, है ना. चलो और सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा है देखो हमको कि दी कॉजिटिव एजेंट होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पे, दी कॉजिटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस इज. अब हमारा ये जो फाइलेरिया जो है, फाइलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय अ निमेटोड जिसका नाम क्या है, वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुकेरेरिया मली, है ना. ऐसी स्पीसीज है जो क्या करती है, फाइलेरिया कॉज करती है या फिर जिसको हम एलिफेंटाइसिस बोलते हैं. करेक्ट. अब गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमको सही लग रहा है? पहला बोला इन्होंने शाइस्टोस्टोम, ये नहीं है भैया. ट्राइकिनेला भी नहीं. क्यूलेक्स, ये तो मस्कीटो हो गई. वुकेरेरिया, हाँ जी भाई, ये स्पीसीज है अपनी वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुकेरेरिया मली, है ना. तो ये हमको क्या कर रही है, फाइलेरिया कॉज कर रही है. ठीक है, तो बस यही हमारे क्वेश्चंस रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले लेसन के. और होपफुली आपका पेपर अच्छा गया होगा, आपने अच्छा स्कोर किया होगा. इसमें से कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझा, कोई डाउट अगर है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालिए. आपके जितने भी डाउट्स हैं हम क्या करेंगे, आप यहाँ सॉल्व कर देंगे, है ना. सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. होपफुली नेक्स्ट टेस्ट जो होगी हमारी उसमें आप बिल्कुल अच्छा स्कोर करोगे. एंड कीप लर्निंग. थैंक यू. जैसा कि आपको पता है कि सफलता टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट नंबर 6 दिया गया था, आज हम उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो आप पेन और पेपर उठा लीजिए और जहाँ पे भी आपको लगेगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो हिंट है वो आपको लिखनी है, तो वहाँ पे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. चलिए शुरुआत करते हैं. तो पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आर 2 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द एंगुलर वेलोसिटीज, तो आपको निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी. आपको एक्सेलरेशन दिया है मैक्सिमम 4 और जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो दी गई है 2, राइट. तो इस केस में 4/2 का हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2. तो ये जो 2 है ये क्या है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी, 2 रेडियन पर सेकेंड. तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर आने वाला है. अगले क्वेश्चन में देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी. कहाँ पर हमें ये पता चलेगा, कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होने वाली है, तो अपने को निकालना है. तो देखिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल इज सेम. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे हम, 1/2m ω² इन ब्रैकेट a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2m ω² एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो उसमें ए स्क्वायर की वैल्यू 2x², a की वैल्यू √2x, तो x की वैल्यू a/√2. तो इस डिस्टेंस पे आपको जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम मिलेगी, राइट. तो जो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ सकता है वो आएगा 0.71, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. क्या बोला है, टू स्प्रिंग्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2 हैव इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटीज व्हेन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स विल बी, है ना. टू स्प्रिंग्स जिनका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है K1 एंड K2 है, इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटीज है उनको दी हुई व्हेन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स विल बी. तो V1 इज इक्वल टू V2 मैक्सिमम, क्योंकि उनको इक्वल मैक्सिमम वेलोसिटीज है. तो V1 की वैल्यू A1 ω1, A2 ω2, A1/2 ω2/ω1, T1/T2 इक्वल टू √K2/K1. तो आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन सी, K2/K1 टू द पावर 1/2, क्योंकि वो अंडर रूट में है इसलिए. आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ वायर इज K एंड दैट ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल इज 2K. तो पहले वाले का फोर्स कॉन्स्टेंट जो है K है, दूसरे वाले का 2K है. व्हेन बोथ द वायर्स आर स्ट्रेच देन वर्क डन इज, अगर दोनों को खींचा गया तो वर्क डन कितना होगा, राइट. तो W1/W2 1/2 K1 वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 K1 X² 1/2 K2 X². तो K/2K 0.5. तो दूसरे वाले का जो वर्क डन है वो पहले वाले से डबल रहेगा, ओके. तो ऑप्शन जो है वो सी आने वाला है, सही आंसर आपका सी है, राइट. चलिए अब देखो,
फॉर पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द डिफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंगल स्लिट बाय अ सिंगल स्लिट हुज विड्थ इज हुज विड्थ ए इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इफ डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ओके तो निकालना इस प्रकार से आपको साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय ए तो y by d is equal to lambda by a तो y is equal to देखिए lambda d upon a तो width of the central maxima कितना हो जाएगा 2 lambda d by a 2 lambda d by a ओके 2 lambda d by a ऑप्शन a जो है वो आपका सही आंसर रहने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या बोला है द ग्राफ इन द फिगर शोज हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीज विद टाइम Which one of the following statement is not true? Okay, तो देखिए not true बोला है तो इसमें आप पढ़ लीजिए एक बार तो जो आपका wrong statement आएगा वो आएगा the velocity is maximum at t by 2. तो t by 2 पे velocity maximum है ये आपका जो answer है वो गलत होने वाला है. गलत statement ही अपने को ढूंढना था. आगे बढ़ते देखो particle of mass m is executing the oscillation about the origin on the x-axis. Its potential energy is पोटेंशियल एनर्जी आपको दी गई है वेयर के इज द पॉजिटिव कांस्टेंट इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए एंड टाइम पीरियड टी इज ओके तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा हुआ है ये आपको सॉल्व करना है लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी राइट जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी है क्यूआर स्कैन करके आप उसको देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चन आपको तीन चार क्वेश्चन ज्यादा नहीं ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में भी आपको ये सॉल्व करना है ये भी एक होमवर्क में आपको रहेगा इसका ऑप्शन जो आंसर जो है वो बी है मतलब टू और यस इस केस में भी आप इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली है ये क्वेश्चन नंबर 9 तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर आने वाला है वो डी आने वाला है थोड़ा सा आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताएंगे. चलिए 10 का जो सही आंसर आएगा वो बी आएगा राइट टैन आई इज इक्वल टू म्यू ये आंसर आने वाला है. ओके 11 की बात करते हैं. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इफ द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन इज सेम एज दैट ऑफ द वेव्स. ओके दोनों जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो दोनों के एम्पलीट्यूड के बराबर है. तो देखिए आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस अल्फा 1 अल्फा 2 तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम वैल्यू आर इज इक्वल टू 2a² प्लस 2a कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाँ हाँ तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू 1 ली है यहाँ पर a को कॉमन निकाल के हमने कैंसिल किया है राइट तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे -1/2 भी कॉमन और 2 को यहाँ से कॉमन निकाल के डिवाइड में डाला है -1/2 cos ऑफ cos inverse इन ब्रैकेट -1/2 तो यहाँ पे आएगा 2π/3 तो जो सही आंसर आने वाला है वो ऑप्शन सी आने वाला है 2π/3 ये आंसर आने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. If a pipe open at both the ends, the distance between the nodes and antinodes, okay? Distance between nodes and antinodes क्या रहने वाला है बेटा? Lambda by 4 रहने वाला है. अब देखिए क्या बोला है? In an unpolarized light of the intensity I0 is incident on a polarized sheet, the intensity of the light which does not get transmitted is. तो Malus law के according I is equal to I0 cos square theta intensity of polarized light I0/2 intensity of untransmitted light I0 - I0/2 is equal to I0/2 तो इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन ए I0/2 ये रहेगा आपका सही आंसर. ओके व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन द ट्रांसवर्स वेव तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट का डिफरेंस मतलब एक पूरा लैम्बडा की अगर मैं बात करूं तो लैम्बडा एक पूरी वेवलेंथ होती है तो उसमें फेज डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो कितना रहेगा 2π रहने वाला है. आगे बढ़ते हैं.
टू वेव ऑफ द वेव लेंथ 52.5 एंड 52 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 5 बीट्स इन अ सेकेंड, देयर फ्रिक्वेंसीज आर, ओके तो फ्रिक्वेंसी निकालनी है अपने को। एन टू माइनस एन वन की बात करें तो 5 आएगा, वेलोसिटी अपॉन लैमड़ा टू, वेलोसिटी बाय लैमड़ा वन इज इक्वल टू 5, वी कॉमन 1 बाय 52 माइनस 1 अपॉन 52 बाय 52.5 इज इक्वल टू 5, वी कॉमन 5 मल्टीप्लाइड ऑफ 52 मल्टीप्लाइड ऑफ 52.5 डिवाइड बाय 0.5। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें जो एन वन की वैल्यू मिलती है वो 520 हर्ट्ज मिलती है, लेकिन हमें पता है कि एन टू इज इक्वल टू एन वन प्लस 5 है, तो एन टू की वैल्यू आएगी 255 हर्ट्ज। ओके तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 255 एंड 525 एंड 520। ओके तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो आपका सही आंसर रहेगा। ओके आगे देखते हैं, द हार्मोनिक्स विच आर प्रेजेंट इन अ पाइप ओपन एट वन एंड, तो उसमें क्या रहेगा, आपको ऑड हार्मोनिक्स मिलने वाले हैं। ओके अब देखते हैं आगे कि इन मेल्स एक्सपेरिमेंट द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन अ फोर लूप व्हेन 50 ग्राम वेट इज प्लेस इन अ पैन ऑफ वेट 15 ग्राम टू मेक द स्ट्रिंग टू वाइब्रेट इन अ सिक्स लूप्स द वेट दैट हैज टू रिमूव फ्रॉम द पैन इज, तो पी वन की वैल्यू 4 है, एम वन की वैल्यू 50 ग्राम, एम टू की वैल्यू, एम नॉट की वैल्यू 15 ग्राम और पी टू की वैल्यू 6। तो हमें क्या निकालना है, पहले एम टू निकालना है, पी वन इंटू टी वन स्क्वायर इक्वल टू पी टू टी टू स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 15 36 मल्टीप्लाइड बाय एम टू, 16 इंटू 65 इक्वल टू 36 एम टू, एम टू की वैल्यू 65 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 9, तो ये आएगा 260/9, तो 28.88 ये आएगा एम टू की वैल्यू। अभी हम एम वन माइनस एम टू करेंगे तो हमें मिलेगा 36 ग्राम वेट। ओके 36 ग्राम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.036 किलोग्राम वेट, ये आपका सही आंसर आएगा। ओके क्या बोला है, अ सोनोमीटर वायर ऑफ द लेंथ L1 वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज देन 2 बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड, वॉट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, तो एन वन बाई एन इज इक्वल टू एल टू बाई एल वन, 250/248 एल टू बाई एल वन, तो यहाँ पे करो 125 अपन 124 इज इक्वल टू एल टू बाई एल वन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 124 इज टू 125, तो ये ऑप्शन वन जो रहेगा आपका सही आंसर रहेगा। ओके लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वॉट इज द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द बीम इन एयर टू द मीडियम। ओके तो इसका आंसर रहेगा, रेशियो निकालना है तो अंडर रूट 2/√3। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है? देखो इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट विद द बायप्रिज्म द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन इज इंक्रीज बाय 25%, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाउ इफ एक्स रिप्रेजेंट द ओरिजिनल बैंडविड्थ द न्यू बैंडविड्थ इज, तो देखिए बैंडविड्थ अपने को बैंडविड्थ इक्वल टू डी बाय स्मॉल डी। ओके तो बीटा 2 बाय बीटा 1 यहाँ पर आएगा, डी टू बाय डी वन इज इक्वल टू स्मॉल डी वन बाय डी टू, 125 डी वन बाय डी वन मल्टीप्लाइड बाय डी वन बाय डी वन बाय डी टू। ओके तो यहाँ पे 125 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 आएगा, बीटा 2 की वैल्यू 2.5 बीटा 1, तो यहाँ पर पहले के मुकाबले 2.5 उसकी गुना वैल्यू हो जाएगी, ढाई गुना ज्यादा उसकी वैल्यू होने वाली है। ओके अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एग्जिबिट द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, तो ये पार्टिकल नेचर कौन करेगा रिप्रेजेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका करते हैं बात, इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन डी वाटर, तो देखिए वहां पे द फ्रिंज विड्थ देखिए बीटा इज इक्वल टू डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी वन, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/μ1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इक्वेशन 1 एंड 2 से बीटा इज इक्वल टू बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/μ, तो बीटा प्रोपोर्शनल टू 1/μ। ओके तो फ्रिंज क्या बोला, द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, ये आएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज 10 टाइम्स वेयर एज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज हाउ, देन व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ कितनी रहेगी, तो बीटा की वैल्यू डी लैम्बडा बाय स्मॉल डी1, तो डी डैश इक्वल टू 10 डी और कैपिटल डी डैश इक्वल टू डी बाय 2,
उस केस में बीटा डैश डी बाई टू लैमड़ा 10d डी लैमड़ा 20d। ओके तो बीटा डैश बनेगा आपका बीटा अपॉन 20। ओके तो ये आएगा इट बिकम्स 1/20 टाइम्स। ओके फ्रिंज विड्थ जो है वो 1/20 बनेगी उसकी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सोर्स ऑफ लाइट 0.5 mm अपार्ट आर प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर। ओके एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो उस केस में द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स इंटरफरिंग ऑन द स्क्रीन एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3 mm फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज। तो फेज डिफरेंस 2λ/2, 2π/λ, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π/λ पाथ डिफरेंस। तो 2π/λ मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी बाई डी 2π 3 10⁻³ 0.5। और ये अगर हम करेंगे तो 5π इतना जो है आपका आंसर आने वाला है, राइट 5π रेडियन ये आने वाला है। ओके अभी देखो ये आने वाला है इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द टू सोर्सेस इज 1.5 10⁵ मीटर एंड 1.23 10⁵ मीटर एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट देन इट इज। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। ओके 0.57 10⁵ मीटर आएगा। एन की वैल्यू पाथ डिफरेंस बाय वेवलेंथ इतना अगर हम कैलकुलेशन करें तो 9.5 आएगा। दस द गिवन पॉइंट इज 10th डार्क पॉइंट। तो वो रहेगा 10th डार्क पॉइंट, मतलब आंसर आने वाला है ऑप्शन बी। ओके तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए। अगला टेस्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है। ओके उसके लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो बेटा, कैसे हो? स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म में। मैं हूँ अस्मिता कानेकर और हमारी सीरीज सफलता सीरीज, जिसमें बेसिकली हमने टेस्ट कंडक्ट करी थी, है ना। तो ये अपनी जो 6 टेस्ट है, 5 टेस्ट जो रही है, उसमें हमने जो लेसन लिया था उसका नाम था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। तो कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका वो तो कमेंट्स में बताइएगा ही मुझे। और उस टेस्ट से जो क्वेश्चंस थे, है ना, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहला सवाल जो हमको पूछा था वो था दी फर्स्ट जेनेटिसिस्ट वॉज। मुझे बताइए, इतना आसान सवाल यार, कौन थे अपने पहले जेनेटिक्स के प्रणेते? कौन थे? मेंडल भैया थे। इन्होंने ही तो निकाला भैया ये सब जेनेटिक्स एंड ऑल। भले ही इन्होंने नाम नहीं दिया जेनेटिक्स, बट सबसे पहले स्टडी तो इन्होंने ही शुरुआत करी थी ना। तो अपने पायनियर जो है वही थे मेंडल भैया। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्या पूछा है? द रिजेम्बलेंस ऑफ इंडिविजुअल टू देयर प्रोजेनाइटर इज कॉल्ड। प्रोजेनाइटर मतलब ही उस उनके पेरेंट्स, है ना। कोई इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के साथ जो सिमिलैरिटी दिखाते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो? दैट इज हेरिडिटी, है ना। हेरिडिटी, पेरेंट्स के पास से ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर्स आते हैं, तो सर्टेन कैरेक्टर्स आर हेरिटेबल, और इनके बीच में ये जो लिंक नजर आ रही है उसको हम हेरिडिटी बोलेंगे। कह रहे कहाँ नजर आ रहा है? पहले वाले में। अरे वाह, क्या बात है ना। जेनेटिक्स ये तो फील्ड हो गई, इवोल्यूशन ये तो चेंजेस हो गए। नन ऑफ दिस कैसे आएगा जब हमको आंसर ऑलरेडी मिल चुका है ना। चलो आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज। मुझे बताइए, किसी एक पेरेंट से हमने क्या किया, एक पूरा सेट क्रोमोसोम का जो सेट है उसको इनहेरिट कर लिया, है ना। एक पेरेंट से हमको क्या मिलता है, पूरे क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। ये वाली जो कंडीशन है इसको हम क्या नाम देंगे? इट्स, अयो हमारा वायर अटक गया भैया, सॉरी। तो ये जो कंटेंट है एक पेरेंट से दूसरे, सॉरी, एक पेरेंट से प्रोजेनी में ये जो जेनेटिक कंटेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, उस जेनेटिक कंटेंट को ही हम क्या नाम देते हैं? इट इज कॉल्ड एज दी जीनोम, है ना। कैरियोटाइप मतलब क्या? कैरियोटाइप रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। किसी एक पर्सन में डिफरेंट, ये जो पूरे 46 क्रोमोसोम है उनको एक शीट पे ऐसे अरेंज करना और उसकी स्टडी करना, उसको बोला जाता है कैरियोटाइप। जीन पूल मतलब क्या? कि किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप के जो अलील्स है उसका हिसाब जो है उसे बोला जाता है जीन पूल। जीनोम मतलब क्या? किसी भी इंडिविजुअल का जो हैप्लॉइड कंटेंट है डीएनए का उसको जीनोम बोला जाता है। तो एक पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को क्या ट्रांसफर करता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर करता है, तो जीनोम इज सही। जीनोटाइप मतलब किसी इंडिविजुअल के पास में ये जो दो अलील्स प्रेजेंट है वो कैसे, दोनों के दोनों डोमिनेंट है या दोनों में से एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है या फिर दोनों रेसेसिव है, उसको जीनोटाइप बोला जाता है ना। तो हमारा जो आंसर है गिवन क्वेश्चन के लिए वो क्या आना चाहिए? ऑप्शन सी आना चाहिए, ठीक है।
आगे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है भाई, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का काम क्या है बताओ, प्रैक्टिकली क्यों जेनेटिक्स इस्तेमाल मतलब क्या इस्तेमाल हो सकता है इसका। पहले बोला इन्होंने इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी पर सॉरी क्वालिटीज ऑफ पेट एनिमल्स, कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं ना, जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके हम मतलब जैसे देखो ना कि जो हस्की था, हस्की एंड अपना पोमेरेनियन, उन दोनों का क्या करा दिया, कॉम्बिनेशन करा दिया, एक हाइब्रिड बना दिए, उसको हम पोम्स्की बोलते हैं, है ना, छोटू सा कुत्ता हस्की जैसे दिखता है, तो जेनेटिक्स का ये तो असर है भैया ये। सेकंड बोला इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वेराइटी, हाँ जी भाई बिल्कुल क्रॉप वेराइटी में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हम ऐसा राइस ग्रेन बना सकते हैं जिसके ग्रेन्स एकदम छोटे छोटे, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है ना, बासमती और एचएमटी का तुमने कॉम्बिनेशन बना दिया, तो ये भी हो सकता है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटीज ऑफ अ मैन, ठीक है, अपनी क्वालिटी में करा सकते हैं क्या इम्प्रूवमेंट, हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। आगे वाले लेसन जो अपना बायोटेक है उसमें देखोगे आप कि जैसे जीन थेरेपी वगैरह जो है, जीन थेरेपी ली जाती है सो दैट डिफेक्टिव जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है ना, या फिर डिफेक्टिव जीन्स को है उनको करेक्ट कराया जा सके, तो ये सारी ही अप्लीकेशन है किसके, हमारे जेनेटिक्स के, तो आंसर आना चाहिए अपना ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इफ एन ऑफस्प्रिंग शोज एनी वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स देन, ये जो अपना ऑफस्प्रिंग है इसमें किसी भी एक पेरेंट्स का अगर कोई कैरेक्टर दिख रहा है इसका मतलब क्या है। फर्स्ट बोला कैरेक्टर इज सेट टू बी हेरिडिटरी, सही बात तो है ना, हेरिडिटरी है इसीलिए पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग, पेरेंट का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में नजर आ रहा है, हेरिडिटरी नहीं होता तो ऑफस्प्रिंग में दिखता ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट तो सही चल रहा है। सेकेंड बोला ऑफस्प्रिंग इज हेरिडिटरी, अरे भाई कैरेक्टर इनहेरिट किए जाते हैं, ऑफस्प्रिंग इनहेरिट नहीं किया जाता है ना, कैरेक्टर इज रिलेटेड विद साइटोप्लाज्म, नहीं यार साइटोप्लाज्म का मसला ही नहीं है, जेनेटिक्स का मसला है, क्रोमोजोम का मसला है, डीएनए का मसला है, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा क्योंकि आंसर हमको ऑलरेडी मिल चुका है विच इज ऑप्शन ए, है ना। ओके क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस लाइज इन, मियोसिस ये टाइप का जो डिवीजन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट बोला रिडक्शन इन द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हैप्लॉइड, देखो जो अपनी जर्म सेल्स है, जर्म सेल्स में क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है और इन्होंने क्या बनाया, गैमेट्स बनाया है ना, तो जर्म सेल्स खुद होती है डिप्लॉइड, गैमेट्स बने हैप्लॉइड है ना, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। मेंटेनिंग कॉन्स्टेंसी इन द नंबर ऑफ डिप्लॉइड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो ये जो गैमेट्स है, गैमेट्स होता है हैप्लॉइड, नाउ लेट अस से मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बोथ ऑफ देम आर हैप्लॉइड हैप्लॉइड, अब इनका जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो डिप्लॉइड क्या डेवलप होगा, जायगोट डेवलप होगा है ना, तो क्रोमोसोम का जो नंबर है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये जर्म सेल और बाद में जायगोट में नॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन डिप्लॉइड नंबर मेंटेन करने के लिए ही तो मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है, तो सही सेकंड वाला भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा बोला प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, क्या हो रहा है मियोसिस में स्पेशली प्रोफेज वन में जो फेज आती है पैकेटिन, पैकेटिन में क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन भी हमको दिखते हैं जो पेरेंट्स में नहीं हो सकते, मतलब समटाइम्स सर्टेन कैरेक्टर्स आर नॉट शोन बाय पेरेंट्स बट दे आर शोन इन ऑफस्प्रिंग है ना, या फिर और भी ऐसी चीजें हमको दिखती है दैट ऑफस्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्टली 100% मैच ऑफ देयर पेरेंट है ना, ये भी नहीं होता कई कई बार, कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं जो पेरेंट्स में नहीं है उनके ग्रैंड पेरेंट्स में थे, करेक्ट, तो ये जो वेरिएशन है, ये जो चेंजेस है, ये जो वेरिएबिलिटी है, ये मियोसिस की वजह से आती है क्योंकि पैकेटिन में क्या हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुआ था है ना, तो ये सारे के सारे ही क्या है अपने सिग्निफिकेंस रहे हैं किसके, मियोसिस के है ना। चलो द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, ये लो क्या बोलोगे इसको तुम, ये ब्रांच को क्या नाम देंगे हम, जेनेटिक्स बोलेंगे, इतना आसान सवाल यार, मजाक किए जा रहे हैं भैया पेपर में है। आगे देखो मेंडल प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म फॉर हेरिडिटरी यूनिट, मेंडल ने जीन ये वर्ड नहीं बताया था है ना, मेंडल ने कौन सा वर्ड यूज किया था, मेंडल यूज द वर्ड फैक्टर्स है ना, फैक्टर बोला था भैया मेंडल ने, ये लो पहला ही आंसर सही है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये टर्म अलीलोमॉर्फिक इम्प्लाइज, अलीलोमॉर्फिक मतलब ही इसको अपन कैसे बोलते हैं, अलील्स है ना, अलील्स क्या होता है, अलील्स रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिव
ऑफ ए जीन, किसी जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एक डोमिनेंट जीन है दूसरे रिसेसिव है, ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है किसी भी जीन के उसी को अलीलोमॉर्फ या फिर अलील बोला जाता है ना। कहाँ नजर आ रहा है ऐसे ऑप्शन? एनी टू कैरेक्टर्स? नहीं भैया, सीड कलर और सीड का शेप, ये दो कैरेक्टर हो गए, बट इसका मतलब वो अलील्स नहीं है ना। चलो दूसरा, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हाँ जी, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन या फिर किसी कैरेक्टर के जो ऑल्टरनेटिव या फिर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो है, जैसे हाइट है, हाइट में कॉन्ट्रास्ट क्या नजर आ रहा है? एकदम टॉल हाइट है या फिर ड्वार्फ हाइट है? टॉलनेस वाला डोमिनेंट अलील था, ड्वार्फनेस वाला रिसेसिव अलील था। तो दिस ऑल्टरनेटिव, दिस कॉन्ट्रास्टिंग पेयर जो है किसी कैरेक्टर की, उसको हम अलील बोल सकते हैं। सेक्स लिंक कैरेक्टर जरूरी नहीं भैया, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। लास्ट बोला पेयर ऑफ नॉन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अलील जो है ऑल्टरनेटिव, डिफरेंट फॉर्म जो है किसी एक जीन के, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म जो है उसको अपन अलील बोलेंगे, है ना। तो आंसर सही जो है वो है अपना ऑप्शन बी। ठीक है चलो आगे देखो, एन अलील इज सेट टू बी डोमिनेंट इफ, याद रखो मेंडल ने जो F1 हाइब्रिड बनाया था, ये ऐसे वाला है ना। F1 हाइब्रिड में हम क्या बोलते हैं, जिस किसी अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, है ना, इसने अपने आप को क्या किया था, एक्सप्रेस किया। ये दूसरा वाला जो था, इसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, है ना। तो इन F1 हाइब्रिड, ये जो है ये F1 हाइब्रिड है अपना, तो ये F1 हाइब्रिड में जिस अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, दैट अलील इज सेट टू बी दी डोमिनेंट अलील, जिसने अपने आप को दूसरे के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं किया, दैट इज कंसिडर्ड एज रिसेसिव अलील, है ना। ऐसी थी कंडीशन। चलो, अलील इज सेट टू बी डोमिनेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। ऐसा है क्या, जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस करता ही है, बट ये वाली कंडीशन अगर है, तभी भी प्लांट कैसे दिख रहा था, टॉल ही नजर आ रहा था, है ना। ये वाली कंडीशन है, तभी भी ये क्या है, टॉल ही नजर आ रहा था। ये कंडीशन अगर है तो प्लांट कैसे दिख रहा था, ड्वार्फ दिख रहा था, है ना। ऐसे ही था। अब देखो पहले वाली में क्या बोला इन्होंने, इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन। नहीं भाई, डोमिनेंट वाला जो केस है हेटेरोजाइगस में भी दिखता है, होमोजाइगस में भी दिखता है ना, तो पहला तो नहीं आएगा। सेकंड बोला इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, ओनली होमोजाइगस कॉम्बिनेशन में जो एक्सप्रेस करता है वो अपना रेसेसिव हो गया, है ना, तो इसको भी हटाओ। इट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। हाँ जी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों में ही एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और इट इज़ एक्सप्रेस ओनली इन सेकेंड जनरेशन। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, जो अपना डोमिनेंट अलील जो है ये F1 F2 सब में ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है ना। तो आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है चलो आगे देखो, व्हेन अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट दैट हैज़ येलो सीड इज पॉलिनेटेड बाय अ प्लांट दैट हैज़ ग्रीन सीड, ऑल द F1 प्लांट शो येलो सीड, दिस मीन्स दैट अलील फॉर येलो इज, यहाँ पे F1 होना चाहिए, ठीक है, ये वन गायब हो गया। क्या बोला है भाई, ये अपना पहला जो प्लांट है ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट दैट हैज येलो सीड, ठीक है, इसको क्रॉस कराया किसके साथ, पॉलिनेटेड बाय अ प्लांट दैट हैड ग्रीन सीड, ठीक है, इनके बीच में हमने क्रॉस किया। अब F1 जनरेशन जो है, F1 में ऑब्वियसली हमको सारे के सारे कैसे मिले, प्लांट दैट हैज हेटरोजाइगस जीनोटाइप फॉर येलो कलर, है ना। दिस मीन्स दैट अलील फॉर येलो इज, F1 में जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो जनरली कैसे होता है, डोमिनेंट होता है ना। यही तो बोलना था हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस का, तो क्या आना चाहिए अपना आंसर, डोमिनेंट आना चाहिए, है ना। चलो आगे देखो, इन अ जायगोट इफ द नंबर ऑफ अलील इज 2 इन ऑल्टरनेट फॉर्म्स द एक्सप्रेशन ऑफ एडल्ट वुड बी, एक ऐसा जायगोट है जिसके पास में क्या है, ये अलील्स का नंबर 2 है, है ना, और कैसे अल्टरनेटिव फॉर्म है, लेट अस से दिस जायगोट हैज सच टाइप ऑफ अलील, है ना, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, तो इसका कौन सा अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेंट रहेगा वही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, है ना। तो आंसर कहाँ आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, डोमिनेंट आएगा। सिंपल यार, इतने सिंपल सवाल कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन में, मतलब पेपर में। चलो कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल अलील फॉर अ गिवन ट्रेट इज, देखो कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें दोनों के दोनों अलील एक जैसे है, या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट है या फिर दोनों के दोनों रेसेसिव है, ऐसी जब केस हमको नजर आती है उस केस को हम क्या बोलते हैं,
दिस रिप्रेजेंट्स होमोजाइगस कंडीशन, है ना? होमोजाइगस कंडीशन बोला जाता है इसको, ऐसी कंडीशन जहाँ पे बोथ दी पेयर ऑफ अलील इन एन इंडिविजुअल हैज सेम टाइप, है ना? तो ये हो गया अपना ऑप्शन है, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर एप्लीकेबल इन, मेंडल के ये जो लॉ है इनहेरिटेंस के, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? प्लांट रेज थ्रू टिश्यू कल्चर, देखो मेंडल भैया ने जो लॉज दिए उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, है ना? प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था, याद है आपको? क्रॉस पॉलिनेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया था, है ना? व्हेन इट कम्स टू टिश्यू कल्चर इट इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? असेक्सुअली रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए मेंडल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओनली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, हाँ जी सही है, ओनली ऑन गार्डन प्लांट, अरे नहीं यार, गार्डन प्लांट के ऊपर अप्लीकेबल और बाकियों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ह्यूमन के भी ऊपर अप्लीकेबल होता है ना मेंडल्स के लॉ, तो ये हटा दो। बोथ सेक्सुअली एज वेल एज एपोमिक्टिक प्लांट, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? तो यहाँ नहीं आएगा, ये गड़बड़ कर दी इन्होंने, करेक्ट? हमारा जो राइट आंसर है इट शुड बी ऑप्शन बी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? चलो नेक्स्ट देखो क्या है। अ क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड प्योर लाइन प्लांट्स यील्ड ब्लैंक येलो रिंकल्ड प्लांट्स इन F1 जनरेशन। मुझे बताओ अगर हमने येलो राउंड ऐसे प्लांट को क्रॉस कराया ग्रीन रिंकल्ड प्लांट के साथ में, तो इनके गैमेट्स देखो कैसे बनेंगे। ये वाला गैमेट बना इनका, और होमोजाइगस रेसेसिव वाला, ये सॉरी दिस रेसेसिव गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय सेकंड प्लांट और सेकंड पेरेंट, है ना? इनकी जो F1 जनरेशन आएगी, ऑल F1 जनरेशन विल हैव दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप, है ना? हेटेरोजाइगस येलो एंड राउंड, करेक्ट? हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, दिस क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड प्योर लाइन प्लांट यील्ड ब्लैंक येलो रिंकल्ड प्लांट इन F1, यहाँ पे F1 है एक्चुअली, F1 जनरेशन में कितने प्लांट आ रहे हैं येलो एंड रिंकल्ड? जीरो, सारे के सारे कैसे नजर आएंगे हमको, येलो एंड राउंड ही तो नजर आ रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए जीरो, ठीक है? चलो क्या पूछा, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल आर इन F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इज। चलो हमको बोला है भैया इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस करने को, कर ले क्या जल्दी से, फटाफट कर लेते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, अरे भैया यही तो काम मुझे नहीं पसंद आता, क्या करे, लाइन 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 बनाओ। चलो क्या बोला भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल आर इन F2 जनरेशन, ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस में। लेट अस से इनके गैमेट्स जो है ये कुछ इस तरीके के हैं, है ना? डायहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, ये अपने जो F1 प्लांट्स थे F1 में हमने सेल्फिंग करा दी, ठीक है? चलो अब इनकी प्रोजेनिस जल्दी जल्दी से अपन निकाल लेते हैं। ये भैया कुछ इस तरीके से इनकी प्रोजेनीज जो है ये हमें नज़र आ रही थी,
ये पूरा पूरा बताना पड़ेगा क्या तुमको, कैसे क्रॉस किया? कर लोगे ना क्रॉस? अभी तो तुम बड़े हो गए, इतना तो आपको आ जाता है ना? जल्दी 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 हो जा भैया। एक मिनट, हो जाइए आप। बस लास्ट वाला बचा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ क्या हो रहा है? स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। और क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल आर इन एफ टू जनरेशन। ये अपन ने एफ टू जनरेशन ही बनाई है ना। क्या ढूंढना है हमको? वो वाला जीनोटाइप ढूंढना है, कैपिटल टी स्मॉल आर कहाँ नजर आ रहा है? ये एक पहला नजर आया, और इसके अलावा कहाँ नजर आ रहा है ऐसा कैपिटल टी स्मॉल आर और कहीं पे दिख रहा है क्या? और कहाँ नजर आया, और कहाँ नजर आया? दिख रहा है? देख लो जल्दी से, ध्यान से देख लो भैया। एक ही तो है, एक ही तो अरे भैया, एक ही तो कॉम्बिनेशन नजर आया हमको ऐसे। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? क्या हुआ हमारा माइक ठीक है ना? एक मिनट, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 out of 16 कॉम्बिनेशन शो कैपिटल टी स्मॉल आर टाइप ऑफ जीनो टाइप है ना, एक ही कॉम्बिनेशन है भैया। चलो आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी एंड, हाँ ठीक है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट आर क्रॉस इन द एफ टू जनरेशन, द रेशियो ऑफ दिस विल बी। ठीक है, अब ये पूरा क्रॉस नहीं बनाते, तुम ऐसे ही इमेजिन करो कि जब हम दो हेटीरोजाइगस प्लांट है ना, ये ऐसे दो हेटेरोजाइगस प्लांट्स को जब क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं है ना, तो एफ टू जनरेशन में हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का नंबर कितना होता है? ये देखो वैसी कंडीशन है, सिर्फ कैपिटल ए स्मॉल ए सॉरी मतलब कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसा यहाँ पे हमने लेटर लिखा है। ठीक है, तो ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कितने नंबर नजर आ रहे हैं? देखो ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ऐसे चार हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन नजर आएंगे हमको अगर हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया है ना। सो व्हाट यू कैन से दैट यू विल फाइंड 4 out of 16 कॉम्बिनेशन विच विल शो दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप है ना, कहाँ नजर आ रहा है? ये ऑप्शन ए में नजर आ रहा है ऐसा कॉम्बिनेशन, करेक्ट? तो राइट आंसर शुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एफ वन प्लांट इन डायहाइब्रिड रेशियो इज क्रॉस्ड विद अ रेसेसिव प्लांट, द रेशियो ऑब्टेंड विल बी। एफ वन प्लांट डायहाइब्रिड क्रॉस का जो एफ वन प्लांट है कौन सा? ये लेट अस इमेजिन, इस प्लांट को अगर हमने क्रॉस किया, रेशियो इज क्रॉस्ड विद रेसेसिव प्लांट, ठीक है, इनको अगर हमने क्रॉस करा दिया तो हमें किस तरीके का रेशियो मिलेगा, ये हमको यहाँ पे पूछा है। कर ले गया क्रॉस, जल्दी जल्दी करते हैं, टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये वाला पहला प्लांट जो है, ठीक है, इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे? ये कुछ इस तरीके के गैमेट्स बने भैया, है ना। दूसरा वाला जो है, इसके गैमेट एक जैसी है, ठीक है, क्रॉस करके देखिए।
वो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। पूरी की पूरी लाइन ये ऐसी ही बनेगी, ठीक है। दूसरी वाली देखो कंडीशन, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, चारों के चारों ऐसी है? तीसरी वाली लाइन देखो, अरे तीसरी वाली लाइन देखो क्या है, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट वाले में देखो क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो हमें क्या पूछा है, दी रेशियो जो है एफ वन प्लांट एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, इनको जब हमने क्रॉस किया तो किस तरीके का रेशो हमको मिला है, ये देखो, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, कितना नंबर है, 4:4:4:4 या फिर 1:1:1:1, कहाँ नजर आया ऐसा हमको, पहले वाले कॉम्बिनेशन में नजर आया, सिंपल है। चलो आगे क्या है क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ अ राउंड सीडेड टॉल प्लांट विच वेन क्रॉस्ड विद अ प्लांट ऑफ सिमिलर जीनोटाइप प्रोड्यूस द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ फीनोटाइप, ठीक है। हमको क्या मिला, हमको जीनोटाइप आइडेंटिफाई करना है, फीनोटाइप हमको दे रखा है, क्या क्या बताया भैया, टॉल राउंड जो है ये कितना है, अप्रोक्सीमेटली 56.25%, ठीक है। दूसरा जो है टॉल रिंकल्ड, ये है करीब 18.75%, ड्वार्फ राउंड ये है करीब 18.75, ठीक है, और सबसे लास्ट में ड्वार्फ रिंकल्ड ये है 6.25, ठीक है। याद करो अकॉर्डिंग टू मेंडल, है ना, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है इनमें से, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर कौन सा है, टॉल हाइट एंड राउंड सीड, है ना। वही रेसेसिव कॉम्बिनेशन कैसा है, रेसेसिव वाला कॉम्बिनेशन है भाई वाफ हाइट एंड रिंकल्ड सीड, है ना। अब अगर अगर हमने ये दोनों ही कैरेक्टर्स को लेकर हेटेरोजाइगस प्लांट्स में अगर क्रॉस कराए, ठीक है, मतलब अगर मैंने इन दो प्लांट्स के बीच में अगर क्रॉस किया, है ना, ऐसा जीनोटाइप रखने वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया, तो मुझे रेशियो कैसे मिलता है, 9:3:1 के फॉर्म में रेशियो मिल जाता है, ऐसे मिलता है, ठीक है। अब देखो ये जो हमको रेशियो मिला है ये इसको फॉलो कर रहा है ना, देखो तो ये 6 है ना, 6 × 18, ये भी देखो 8 × 8 जैसा, ये देखो ना अप्रोक्सीमेटली 9 के इसमें नज़र आ रहा है हमको, है तो 9:3:3:1 का रेशियो हमको आ गया। 9:3:3:1 का रेशियो कब आता है, जब हम क्या कर रहे हैं, ये जो अपना हेटेरोजाइगस प्लांट फॉर बोथ कैरेक्टर इज सेल्फ विथ इटसेल्फ, है ना, ऐसी जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तभी हमको 9:3:3:1 का रेशियो मिल रहा है। मतलब अपना जो पेरेंट प्लांट है उसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन पी हाइब्रिड बिटवीन रेड फ्लावर्ड एंड व्हाइट फ्लावर्ड स्ट्रेन्स वर क्रॉस्ड बैक टू प्योर रेड फ्लावर स्ट्रेन, प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस विल हैव, इन्होंने क्या बोला, देखो ऐसा हाइब्रिड जो किसका कॉम्बिनेशन था, रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन था, है ना, मतलब ये रेड एंड व्हाइट इन दोनों के क्रॉस के बाद में हमको क्या मिला था, ये कॉम्बिनेशन मिला था, है ना। अब ये जो अपना प्लांट है इसको हमने क्या किया, देवर क्रॉस्ड बैक टू द प्योर रेड फ्लावर्ड, है ना, ये इसके साथ में हमने क्या किया, इसको वापस क्रॉस करवाया, ठीक है, करवाओ
करा लो क्रॉस, इसका जीनोटाइप देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, उधर वाले का जीनोटाइप कैपिटल आर है ना, तो हमें प्रोजेनीज जो है कैसी मिली है ना, सबका जीनोटाइप कैसे हो, मतलब सबका फिनोटाइप कैसे होगा, रेड रेड ही दिखेंगे ये लोग, रेड फ्लावर्स ओनली, हाँ जी व्हाइट फ्लावर्स ओनली नहीं, इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड व्हाइट नहीं, व्हाइट कब दिखेगा जब दोनों के दोनों रेसेसिव एलील होंगे है ना, मोस्टली रेड फ्लावर्स नहीं यार। राइट आंसर जो है ये कैसा, ये भी रेड ये भी रेड ये भी रेड ये भी रेड, ऐसे ही आएगा ना ठीक है, क्योंकि हमको बोला क्या है पी प्लांट के बारे में बोला है, पी प्लांट जो है ये डोमिनेंट एंड रेसेसिव ही दिखाता है, पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं दिखता करेक्ट, तो ये वाला पिंक नहीं होगा ये रेड ही होगा ठीक है। चलो अक्रॉस बिटवीन अ होमोजाइगस रेसेसिव एंड हेटरोजाइगस प्लांट इज कॉल्ड, होमोजाइगस रेसेसिव एंड हेटरोजाइगस प्लांट के साथ का जो क्रॉस है उसको क्या बोला जाता है, देखो स्पेशली जो अपना हाइब्रिड है ना, लेट अस से दिस हाइब्रिड, ये अपना हाइब्रिड जनरली कैसे होता है, हेटरोजाइगस होता है, स्पेशली एफ वन हाइब्रिड की अगर अपन बात करें, एफ वन हाइब्रिड हमको मिलता कैसे है, तो होमोजाइगस प्लांट के बीच में अगर क्रॉस किया तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्रॉस वी जनरली गेट दिस एफ वन हेटरोजाइगस हाइब्रिड। अब ये एफ वन हेटरोजाइगस हाइब्रिड को अगर हम वापस रेसेसिव पेरेंट के साथ अगर क्रॉस करा दें तो ऐसे ही क्रॉस को क्या बोला जाता है, सच क्रॉस इज कंसिडर्ड एज ये टेस्ट क्रॉस है ना, ये एफ वन हाइब्रिड का जीनोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्या किया जाता है, टेस्ट मतलब उसकी बैक क्रॉसिंग कराई जाती है ना, तो दिस स्पेसिफिक क्रॉस जहाँ पे हमने एफ वन हाइब्रिड को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया दिस इज टेस्ट क्रॉस, कहाँ नजर आ रहा है टेस्ट क्रॉस, क्या नजर आ रहा है हमको ऑप्शन सी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इन हाइब्रिडाइजेशन कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, हाँ ठीक है, गिव राइज टू प्रोजेनी ऑफ रेशियो, ठीक है भैया इन दोनों को क्रॉस करो, इसको पहले इसके जीनोटाइप लिख लो, मतलब सॉरी इसके गैमेट्स लिख दो, इनको अगर हमने क्रॉस किया ठीक है क्रॉस किया तो हमें क्या नजर आ रहा है, इनकी जो प्रोजेनीज है उसका रेशियो कैसे नजर आएगा, ये देखो टॉल ये वाले दिखेंगे टॉल और ये वाले दिखेंगे ड्वार्फ, रेशियो कैसा है 2:2 या फिर 1:1 है ना, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, यहाँ है। चलो और क्या पूछा है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल के हिसाब से डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, ड्वार्फ प्लांट एंड येलो फ्रूट, ड्वार्फ वॉज द रेसेसिव कैरेक्टर, हटाओ इसको फ्रूट, टर्मिनल फ्रूट एंड रिंकल सीड, टर्मिनल फ्रूट तो ठीक है रिंकल सीड ये रेसेसिव कैरेक्टर है, व्हाइट टेस्टा टेस्टा, सीड कोट की बात अपन ने अपने मेंडल ने नहीं करी थी, येलो पेरिकार हटाओ इसको, सी सॉरी ग्रीन कलर्ड कौन से पूछे हमको, होल्ड ऑन, हाँ ग्रीन कलर सॉरी हाँ ग्रीन कलर्ड पॉड, मुझे सीड लग गया, पॉड का कलर ग्रीन और सीड का शेप राउंड, दीज आर कंसिडर्ड एज दी डोमिनेंट ट्रेट्स बाय मेंडल है ना, तो अपना राइट आंसर ऑप्शन डी। या चलो इन डायहाइब्रिड क्रॉस आउट ऑफ 16 प्लांट ऑब्टेंड इन नंबर ऑफ जीनोटाइप्स शाल बी, जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं ना तो डायहाइब्रिड क्रॉस में कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स बनाए जाते हैं पता है आपको, यू फाइंड 9 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप है ना, ऐसा ही है, कहाँ नजर आ रहा है हम देख लेना एक बार, ये ऐसा जो अपना डायहाइब्रिड क्रॉस का ये जो टेबल था नहीं ये वाला, इसमें देखो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर, 9 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स विल फाइंड ठीक है, तो अपना आंसर आना चाहिए वहाँ 9। और लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म बाय जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो प्लांट है ये किस टाइप के गैमेट्स बनाएगा, ये देखो ये जो इसका जीनोटाइप है ना क्या हो सकता है, ये आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है या फिर ये कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है और ये स्मॉल वाई कैप स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आ सकता है या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ आ सकता है ना,
तो दीज आर फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ये चार गैमेटिक कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, क्या नजर आ रहा है ऐसे ऑप्शन? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, पहला वाला ही ऑप्शन सही है ना, दिस शुड बी द फोर टाइप ऑफ गैमेट्स। तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, तो इतने ही तो अपने क्वेश्चन थे यार, 25 क्वेश्चन थे, एकदम आसान आसान थे। स्पेशली मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसी के ऊपर अपने क्वेश्चन है। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर जब पेपर होगा तब आगे वाला जो पार्ट है इस लेसन का उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे आपको, है ना। तो इतना ही था अपना सफलता का आज का पेपर डिस्कशन। रिमेनिंग रिमेनिंग है कोई नहीं, नेक्स्ट वाली टेस्ट के लिए आपको अच्छा खासा ऑल द बेस्ट, और अच्छे अच्छे से टेस्ट दो। कोई क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं समझा तो मुझे बताओ, और आपका स्कोर कितना रहा स्पेशली अपने बॉटनी में वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। चलो सर, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर पल्लवी आनंद कुलकर्णी एंड वी आर डिस्कसिंग द एमएसटी सीईटी सफलता टेस्ट सीरीज। दिस इज द पार्ट टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है पी ब्लॉक एलिमेंट से। सल्फर एग्जिस्ट इन टू पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, पॉली यानी के मेनी, मॉर्फ यानी के फिजिकल फॉर्म। सल्फर अलग अलग डिफरेंट एलोट्रॉप्स, इनको ही हम लोग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को ही एलोट्रॉप्स बोलते हैं। सल्फर एग्जिस्टिंग डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक फॉर्म जिनका नाम होता है रॉम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, राइट? रॉम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। इन पोलार मॉलिक्यूल्स द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, पोलार मॉलिक्यूल्स का एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, HCl, राइट? HCl एक पोलार मॉलिक्यूल है, इसमें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और हाइड्रोजन कम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, क्लोरीन का ज़्यादा, इसलिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खींचे जाते हैं। क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस। डेल्टा यानी कि वेरी स्मॉल, छोटा सा पार्शियल चार्ज आता है। तो ऐसा ही अगर HCl का दूसरा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे प्लेस किया यानी कि उसके मिक्सचर में, राइट, कंपाउंड में, तो उसके ऊपर भी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नथिंग बट द डाइपोल डाइपोल। क्यों? क्योंकि ये एक डाइपोल हो गया। डाइपोल यानी कि टू पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, और ये एक डाइपोल हो गया। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड इज एन एग्जाम्पल। डायमंड के बारे में हम लोगों को पता है, इट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट? तो दिस इज ए कोवेलेंट सॉलिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये जो है ये एक नेटवर्क सॉलिड होता है, राइट? SiO2, इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क सॉलिड, SiO इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क, ये एक सॉलिड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम इज ए क्रिस्टल, ट्राइगोनल इज अल्सो, ट्राइक्लिनिक इज अल्सो, हेक्साक्लिनिक, ऐसा कोई भी नाम नहीं होता, राइट? तो ऑप्शन डी इज द नॉट ए क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। इन फेस सेंटर यानी कि FCC, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी अदर यूनिट सेल। फेस सेंटर, तो क्यूबिक सेल को 6 फेसेस होते हैं, है ना? क्यूबिक सेल यानी कि जैसे कि आप जिस रूम में है ना, उस जिसका शेप क्यूब जैसा होता है, उसके कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं ना। जैसे कि फेसेस यानी कि वॉल्स, तो वॉल्स आर फ्रंट बैक लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम, राइट? टॉप एंड बॉटम को भी यहाँ पे कंसिडर करना है। तो कितने वॉल्स हो गए टोटल, कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस। इसलिए कितने यूनिट सेल में ये शेयर किया जाता है? 6 यूनिट सेल, 6 यूनिट सेल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, इसका आंसर है ट्राइक्लिनिक सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल होते हैं। इसमें सारे के सारे पैरामीटर्स, ठीक है, आर अनइक्वल, है ना? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, इज़ नॉट इक्वल टू गामा। तो सारे के सारे पैरामीटर्स अनइक्वल होते हैं,
तो ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सिंपल क्यूबिक सेल ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय, वी नो दिस, 8 यूनिट सेल, राइट. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्यूबिक यूनिट सेल, राइट, लाइक दिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द क्यूबिक यूनिट सेल, वन क्यूब इज द वन क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ ईच कॉर्नर, इफ दिस इज द कॉर्नर, नाउ दिस कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन टोटल 8 अदर, है ना, टोटल 8 इंक्लूडिंग दिस, टोटल 8 यूनिट सेल में एक कॉर्नर शेयर किया जाता है. तो देयरफॉर व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द पॉइंट्स विच शोज द पोजिशन ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल आर कॉल्ड एज लैटाइस पॉइंट्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैटाइस साइट्स. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, ऑप्शन डी. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनिट सेल इज ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, राइट. एज लेंथ्स आर इनसिमेट्रिकल, एल्फा एंड गैमा टू एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर 90, वेयर एज बीटा इज नॉट 90, राइट. सो व्हाट विल बी दिस सिस्टम, दिस सिस्टम इज नथिंग बट द मोनोक्लिनिक. नाउ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मोनोक्लिनिक सिस्टम. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. विच टाइप ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स विल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सॉलिड क्रिस्टल्स, है ना, वी नो आयनिक क्रिस्टल्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बट इन द सोल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट, राइट, सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, राइट, राइट. वेर एज मेटालिक सॉलिड्स दे कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ मेटल्स. वी नो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल के रॉड को, यानी कि आयन के रॉड को अगर हमने हीट किया, एक एंड को, दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है, या फिर मेटल रॉड के वजह से हम लोगों को शॉक लग सकता है, राइट. देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे थे. पहला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज. क्लीन क्लीवेज का मतलब क्या है, देखिए उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. देखिए, मान लो ये एक क्यूब है, ये पनीर का क्यूब है. किसका है, ये पनीर का क्यूब है, और ये एक ये पीस है, नॉट ए क्यूब, ये एक पीस पनीर का है और ये एक पीस केक का है, बराबर. तो मैं क्या करूँगी, मुझे इन दोनों को कट करना है, राइट. तो अगर मैं पनीर को कट करूँगी ऐसे, तो दो पीसेस बनेंगे, उसके जो इनर साइड्स होंगे वो एकदम प्लेन होंगे. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं केक को कट करूंगी, उसके इनर साइड्स अनइवन होंगे, राइट, प्लेन नहीं होंगे, राइट. सो दिस पनीर विल बी लाइक अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पनीर विल बी लाइक ए क्रिस्टलाइन, एंड केक विल बी लाइक द एमॉर्फस, राइट, एमॉर्फस. तो देयरफॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या आप दिखाई देता है, क्लीन क्लीवेज, है ना. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. देयरफॉर we have to find out not a characteristic, right. Yes, they are true solids, hai na, we call them as a true solids. La option d dekhte hai, they have the sharp melting points, hai na, sharp melting points yani ke exact value, yani ke 120 degree, 100 degree, 1000 degree, likewise. Whereas amorphous ka kya hota hai, range hota hai 100 to 200, 200 to 220, 1000 to 1100, likewise range hota hai, right, not a sharp, not exact value. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दे आर आइसोट्रोपिक. नो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन आइसोट्रोपिक होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एन आइसोट्रोपिक, और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, वो होते हैं आइसोट्रोपिक, वो होते हैं आइसोट्रोपिक. ठीक है, एन आइसोट्रोपिक, एन यानी के नो, है ना, आइसो यानी के सेम, ट्रॉपिक यानी के प्रॉपर्टीज, उसका मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनकी कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर डिफरेंट इन द ऑल डिरेक्शंस. ठीक है, तो एन आइसोट्रॉपिक. सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हेंस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. ऑप्शन सी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. यस, दे आर ट्रू सॉलिड. नो, दे आर स्यूडो सॉलिड, यानी के फॉल्स, है ना, दे आर नॉट
true solids. They have sharp melting point. No, they have range of the melting points, right? They undergo clear cleavage. No, they don't undergo the clear cleavage. They are isotropic. Yes, this is the correct property of the amorphous solid. Option D will be the correct answer for this question. Right, guys? Okay, then now let's see the next question. What is the general name for the class of the structures made up of rolled up carbon lattice? Iska answer hai nanotubes aur isko nanostructures bhi bola jata hai. Nanotubes aur nanostructures. Theek hai? Carbon, rolled up carbon yani ke nanotube ke form mein, right? Option B is the correct answer for this question. Let's see the next question. As of public record at the end of the 2002, which country was making the greatest annual investment in molecular nanotechnology research? So, iska answer hai US, United States of America. As far as total world mein consider kiya jayega, to US ne sabse zyada investment kiya hai 2002 mein for the annual research in the nanotechnology. Lekin agar Asia mein consider kiya, पूरे एशिया में जापान का नंबर आता है. जापान का एशिया में टॉप नंबर आता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में यूएस का टॉप आता है, फिर सेकंड इज द जापान. ठीक है, सो यूएस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाय CRN, CRN का मतलब होता है सेंटर फॉर रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो टेक्नोलॉजी को उन्होंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स माना है, राइट? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज नॉट फॉर यू, जस्ट इतना ही मेंशन किया है आपके बुक में कि नैनो टेक्नोलॉजी इज द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नैनो साइंस कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के साथ नैनो साइंस को स्टडी किया जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द नैनो टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर देखिए, इट इज जनरल पर्पज टेक्नोलॉजी, यस दैट इज ट्रू. इट कैन बी कॉल्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू. देन उसके बाद ऑप्शन डी, इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, दैट इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स कैन डिस्क्राइब इट. न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नॉट इन्वॉल्व, है ना, नॉट एप्लॉयड टू द नैनो. ठीक है, इट इज नॉट, न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज नॉट एप्लाइड to the nanotechnology. Therefore, option C is the correct answer for this question. Let's see the next question, guys. The formula for percentage atom economy is. Iska formula main next page pe likhti hu, so aapko samajh mein aa jayega. Percentage atom economy. Theek hai, percentage atom economy yani ke obviously hum log isme kya nikalenge? Jab bhi hum logo ko economy nikalna hai, to kitna product bana hai और कितना रिएक्टेंट लिया था, तो न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रिएक्टेंट, राइट? तो प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें बनती है. प्रोडक्ट में डिजायर्ड प्रोडक्ट भी बनता है, साइड प्रोडक्ट भी बनता है. तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी कि कितना डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है डिवाइडेड बाय हमने कितना सारा रिएक्टेंट लिया था मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज दैट इज द परसेंटेज, राइट? सो लेट सी. तो हियर आ जाएगा फॉर्मूला वेट ऑफ, या फिर क्या दिया यहाँ पे, फॉर्मूला मास, राइट? बोथ ऑफ देम आर सेम. सो फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, नॉट ए साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमको चाहिए, है ना. फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या, कितना रिएक्टेंट लिया था, है ना. तो सम ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ, सम ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, है ना, सम ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो दिस इज योर एटम इकोनॉमी. सो लेट्स सी द ऑप्शंस वन बाय वन. ऑप्शन ए सेज फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय सम ऑफ फॉर्मूला वेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स. नो, इन द डिनोमिनेटर वी टेक द रिएक्टेंट, सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी सेज फॉर्मूला वेट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स. नो, वी नेवर टेक द बाय प्रोडक्ट्स इन द एटम इकोनॉमी. ऑप्शन सी सेज फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ
फॉर्मूला वेट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स है ना मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर्मूला. ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, फॉर्मूला उल्टा दिया है. देखिए सम ऑफ रिएक्टेंट्स ऊपर लिया है, प्रोडक्ट नीचे, सो दैट इज रॉन्ग राइट. करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन राइट. ओके इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. FTIR इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी राइट, यानी कि IR टेक्नोलॉजी. IR की वजह से हम लोगों को हमेशा फंक्शनल ग्रुप की आइडिया पता चलती है. ऑप्शन ए एब्सॉर्प्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल है, अल्कोहल है, फिनोलिक OH है, अल्डिहाइडिक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में IR से पता चलेगा है ना. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोल जेल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल्स, इसमें हाइड्रोलिसिस भी आता है, ड्राइंग भी आता है और थर्मल डिकम्पोजिशन भी आता है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन राइट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कैटलिस्ट इज यूज इन द हेबर्स प्रोसेस, इसका आंसर इज द ऑप्शन डी मॉलिबडेनम. मॉलिबडेनम और Fe आयरन भी यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा आयरन यूज किया जाता है क्योंकि वो सस्ता होता है, लेकिन कभी कभी मॉलिबडेनम भी यूज किया जाता है. हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? नाइट्रोजन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और मॉलिबडेनम कैटलिस्ट, और वी आर गेटिंग द अमोनिया गैस राइट, 2NH3 गैस है ना. सो दिस इज द हेबर्स प्रोसेस राइट, दिस इज कॉल्ड एज द हेबर्स प्रोसेस फॉर विच वी आर यूजिंग आइदर Fe और MO मॉलिबडेनम कैटलिस्ट ठीक है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइज. लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए ग्रीन सॉल्वेंट. ग्रीन सॉल्वेंट यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जो नेचर को कम से कम हार्म पहुंचाएंगे राइट. आइडियली सबसे अच्छा ग्रीन सॉल्वेंट जो होता है अपना पानी, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो नेचर को बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शंस पानी में नहीं किया जा सकता राइट, क्योंकि सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल इन द पानी. इसीलिए यहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं जो पानी के जैसा कम्प्लीटली ग्रीन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है ना, बिल्कुल थोड़ा सा हम पहुँचाते हैं नेचर को. तो इनमें कुछ लिस्ट ऑफ केमिकल्स आते हैं, जैसे कि एसीटोन आता है ठीक है. एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये ग्रीन सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है. उसके बाद मिथेनॉल, इथेनॉल भी आता है इसमें, मिथेनॉल भी आता है CH3COH, और उसके बाद मिथाइल इथाइल कीटोन CH3CO C2H5. तो ये सॉल्वेंट क्या कहलाए जाते हैं? ग्रीन सॉल्वेंट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये सॉल्वेंट नेचर को कम से कम हार्म पहुंचाते हैं ना, वेरी लेस्ट हार्म. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देन. ओके ग्लूकोज का रिएक्शन है पहले HCN के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस और तीसरा है HI के साथ राइट. तो ये रिएक्शन मैं आपको समझाती, बहुत ही आसान है देखिए. तो पहले तो ग्लूकोज लेंगे हम लोग, ग्लूकोज में आता है CHO के बाद आता है CHOH फॉर फोर टाइम्स है ना, CHOH फॉर फोर टाइम्स. फिर आता है पूरा ही लिख देती हूँ स्ट्रक्चर, कन्फ्यूजन ना हो ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या आता है, CHO आता है, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 है ना, द सिक्स्थ कार्बन यहाँ पे CH2OH होता है. फिर यहाँ पे होता है OH बराबर, ये होता है अपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ठीक है. ओके ये हो गया अपना ग्लूकोज. अभी ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ करना है? सबसे पहले HCN के साथ. जब भी आप एल्डिहाइड का रिएक्शन यानी कि CHO है यहाँ पे, तो HCN का रिएक्शन करोगे CHONCN है ना. ये रिएक्शन कैसे होता है देखिए, CHO कैसे होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, ये हो गया CHO. इसका रिएक्शन HCN के साथ करोगे तो कैसे होता है, एच इज द पॉजिटिव पार्ट, CN इज द नेगेटिव पार्ट. कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो ऐसे डीलोकलाइज, ऐसे पोलराइज होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव. इसके इससे क्या बनता है, कार्बन को आपका ये H है
कार्बन को नेगेटिव पार्ट यानी कि CN कनेक्ट होता है और ऑक्सीजन को पॉजिटिव पार्ट यानी कि OH कनेक्ट होता है, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CHOHCN जिसको हम लोग साइनोहेड्रिन बोलते हैं, राइट। तो वही स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँगी, तो ये हो गया CH पहले से है, यहाँ पे आएगा CN और OH, राइट। तो सी डबल बॉन्ड ओ विल बी कन्वर्टेड इनटू CN एंड OH, रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल बी एज इट इज़, है ना, रिमेनिंग स्ट्रक्चर विल बी एज इट इज़। ये जो कंपाउंड बना है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहेड्रिन, क्या बोलते हैं, साइनोहेड्रिन, साइनोहेड्रिन बनेगा ग्लूकोज का, बराबर। ये है स्टेप नंबर वन, है ना, ओके। नाउ दिस इज द साइनोहेड्रिन, पहली स्टेप में क्या बना है, HCN के साथ रिएक्शन करने के बाद साइनोहेड्रिन बना, बराबर, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज किया है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया है, है ना, क्या किया है, हाइड्रोलिसिस। चलो हाइड्रोलिसिस करते हैं फिर, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी कि आप क्या करोगे, यहाँ पे CN है, CN यानी कि साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप का जब भी हाइड्रोलिसिस करोगे आपको मिलता है COOH, एसिड ग्रुप। तो जो CN है उसका क्या बनेगा, COOH बनेगा, बराबर, CN का क्या बनेगा, COOH, राइट। देखिए तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करती हूँ, देखिए ये CH है, ये OH है, और CN क्या बनेगा, COOH बनेगा, CN क्या बनेगा, COOH, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज, है ना, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज, CH2OH, फिर यहाँ पे OH, H, OH, OH, बराबर, बाकी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज, जस्ट CN का क्या होगा, CN का COH होगा, राइट। तो ये क्या मिला मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, बराबर, ओके। अभी ये जो एसिड है इसका नाम है, इसका नाम इज द हेप्टानोइक एसिड, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हेप्टानोइक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है बेसिकली ये, तो ये बनेगा, राइट। अभी देखिए इसका रिएक्शन किसके साथ करना है मुझे, इसका रिएक्शन मुझे HI के साथ करना है, HI और हीट। जब भी आप HI यूज करोगे, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जब भी आप HI यूज करते हो सारा का सारा रिडक्शन होता है, यानी कि जो भी ऑक्सीजन है सब सब ऑक्सीजन निकल के वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, सब ऑक्सीजन निकल के क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, राइट। तो देखिए COH का क्या बनेगा, COH का बनेगा CH3, राइट, CHOH का बनेगा CH2, सब ऑक्सीजन निकालना है, फिर अगेन CHOH, इसका बनेगा CH2, एक और 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 CH2OH, इसका बनेगा CH3, यानी कि क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या बना अपना कंपाउंड, इसका नाम क्या है, हेप्टेन, बराबर, हेप्टेन। देयरफॉर व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट इज द हेप्टेन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया आपको, पहले साइनोहेड्रिन बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ CN गिव यू COH, और फिर HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सारे के सारे ऑक्सीजन हटाएंगे और आप लेकर मिलेगा हेप्टेन, बराबर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वर्ट शुगर इज, देखिए इन्वर्ट शुगर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताती हूँ आपको मैं, इन्वर्ट शुगर यानी के, इन्वर्ट शुगर यानी के 1:1 मिक्सचर ऑफ, है ना, 1:1 50% मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, है ना, ये जो ग्लूकोज होता है ये होता है डी ग्लूको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, 1:1 मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, इनका मिक्सचर होता है, राइट, ठीक है। ये जो ग्लूकोज होता है इसमें, ये ग्लूकोज क्या होता है हमको पता है, इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ये, यानी कि ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड घुमाता है, राइट, वेयर एज फ्रुक्टोज जो होता है वो एल होता है, यानी कि लीवो रोटेटरी, यानी कि ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट घुमाता है, राइट। तो इसलिए ग्लूकोज को प्लस साइन से और फ्रुक्टोज को माइनस साइन से डिनोट किया जाता है, इन दोनों का मिक्सचर यानी कि इन्वर्ट शुगर, राइट। अभी 50-50% मिक्सचर लिया तो
वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्टोज होता है इसका लिवोरोटेटरी नेचर ग्लूकोज पे भारी पड़ता है, राइट। ग्लूकोज के डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर के कंपैरिजन में फ्रुक्टोज का लिवोरोटेटरी नेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, भारी होता है, राइट। इसीलिए ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, ओवरऑल रिजल्ट होता है लिवोरोटेटेड, राइट। यहाँ पे फ्रुक्टोज का नेचर ही इन्वर्ट शुगर में आता है बिकॉज फ्रुक्टोज का नेचर ज़्यादा भारी है, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको? तो यही पे अपने सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। ये जो टेस्ट था इनमें बहुत ही सादे सिंपल से क्वेश्चन थे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा डिस्कशन में। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो, वी विल डिस्कस द डाउट्स इन डिटेल वेन एवर वी विल हैव द लाइव सेशन, ठीक है। ओके, सो यही पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे बेटा, मैं हूं अर्जुन आपका मैथमेटिक्स मेंटर आरपीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा पार्ट टेस्ट वाली जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन इच एंड एवरी क्वेश्चन हम यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं। देन आंसर की में आप आंसर भी मैच करना कि आपके जो आंसर है वो वहां पे मैच हो रहे क्या, और आपने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो भी बराबर आया है क्या, कहां पे क्या मिस्टेक है आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो इसको पहले ये जो 2π/3 ने साइन इनवर्स के रेंज में नहीं आता, तो इसको पहले रेंज में हम लाएंगे। तो साइन इनवर्स दिस इज साइन, तो इस 2π/3 को हम लिख सकते हैं π-π/3, क्लियर, ऐसा लिख सकते हैं ना। अभी करके देखो आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। बट साइन π-π/3 जब भी हम बोलते हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। π-π/3 कहां पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, और सेम ही आएगा, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। अब ये साइन इनवर्स के रेंज में आ गया, तो अब साइन इनवर्स और साइन कैंसल, तो फाइनली आंसर विल बी π/3 विच इज ऑप्शन सी, करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू tan 6 थीटा, ठीक है। तो tan 6 थीटा मैं पहले लिखता हूं एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। सो cot कैन बी रिटन एज tan π/2 - थीटा, ठीक है। सो tan 6 थीटा, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा फिर यहां पे, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इस टाइप का हो गया अभी, है ना, ये इस टाइप का हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, है ना, इस टाइप का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन क्या आता है हमारा, थीटा इज इक्वल टू n π + अल्फा, अल्फा यहां पे क्या होगा π/2 - थीटा, राइट। अब माइनस थीटा इधर आके क्या होगा प्लस, तो 7 थीटा इज इक्वल टू, यहां से पाई अगर कॉमन निकालेंगे तो n + 1/2 हो जाएगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू π/7 and this is n + 1/2, ठीक है, this is n + 1/2, so the correct answer is option first। यहाँ पे correct answer क्या होगा, option first, so second का option first। now third question is 2 tan inverse of 3/4 is equals to sin inverse of alpha दिया है, तो हमें एक formula पता है, देखो 2 tan inverse, इसके actually दो तीन formula है, 2 tan inverse of x है, हमें sin के form में चाहिए, तो ये हो जाएगा sin inverse of 2x/1 + x² ऐसा, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होगा। तो हमें दिया है 2 tan inverse of 3/4, तो यहां पे x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 3/4, है ना। तो क्या होगा फिर ये साइन इनवर्स ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 3/4/1 + 3/4² यही फॉर्मूला लगाया मैंने यहां पे। सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये 2 × 2 = 4, तो क्या होगा 3/2, और नीचे क्या होगा 1 + 9/16, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर यहां पे 3/2 है और नीचे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 16 + 9 = 25, सो दिस इज 25/16, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/2, और ये डिवीजन में इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो 25/16 था वो हो गया 16/25। नाउ 2 × 8 = 16, तो 8 × 3 क्या होगा 24, 8 × 3 विल बी 24, सो दिस इज 24/25। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हैं
कि यही वैल्यू किसकी है, अल्फा की है, यही वैल्यू किसकी है, अल्फा की है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर, आंसर की में भी सी है क्या, देखो एक बार, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ यहां पे क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉट इन ब्रैकेट टैन इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x, ये तो हमें पता है टैन इनवर्स ऑफ 2x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 2x होता है पाई बाय 2, टैन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है पाई बाय 2, तो ये बाहर बचा सिर्फ कॉट, और कॉट पाई बाय 2 का आंसर क्या आता है, कॉट पाई बाय 2 का आंसर आता है 0, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां पे ऑप्शन ए होगा। इफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी दिया है एंड ए बी सी आर एक्यूट एंगल्स दिए हैं, देन ए इज टू बी इज टू सी रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉस ए अगर दिया है तो कॉस ए से हम साइन ए फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना, तो ये वैल्यू बस इसमें पुट कर दो तो आपको साइन ए की वैल्यू क्या मिलेगी 4/5, अब सॉल्व कर लेना ये 4/5 आएगी, देन कॉस बी इज इक्वल टू सॉरी साइन बी इज इक्वल टू, यहां पे एक ट्रिक भी होती है मैं आपको बता दूं वो वाली ट्रिक, डायरेक्ट इसके बिना भी हम कर सकते हैं, देखो ये 3/5 है तो ट्रिपलेट होता है एक 3/4/5, 3/4 और 5, यहां पे 5/3 है 5/13 है तो ट्रिपलेट में एक नंबर मिसिंग है 12, यहां पे फिर से 4/5 है तो ट्रिपलेट में एक नंबर मिसिंग है 3, तो अगर कॉस के पास 3/5 है तो साइन ए क्या आएगा 4/5 आएगा पक्का, अब ये 5/13 है और ये कॉस बी है तो साइन बी क्या आएगा फिर 12/13, जो मिसिंग है डिनोमिनेटर सेम रखना है बस ऊपर जो है वो 5, यहां पे 5 और 13 है 13 तो आ गया, 5 इसके पास था तो 12 इसके पास आएगा, देन साइन सी, साइन सी डिनोमिनेटर सेम रखना 5, यहां पे 4 है तो साइन में क्या आएगा फिर 3 आएगा खत्म, ठीक है। और ये जो ए बी सी होता है ना ये जो रेशो ये डिपेंड करता है इसके वैल्यू पे, साइन ए इज टू, क्योंकि साइन रूल है ना, साइन ए साइन बी और साइन सी के रेशियो के बराबर आता है, तो साइन ए की वैल्यू क्या है 4/5, साइन बी की वैल्यू इज 12/13 एंड साइन सी की वैल्यू इज 3/5। अब अगर इनका मैं एलसीएम ले लू सबको अगर 65 बनाऊ तो ये इसको 13 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 13 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से, यहां पे नीचे 13 से तो ऊपर भी 13 से, तो अब डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया और सबको हटा दो फिर डिनोमिनेटर क्योंकि रेशियो ही है, तो 13 4 52 12 5 60 एंड 3 13 39, ये आंसर है। नीचे 65 कहां गया सर, वो रेशियो बेटा उसको हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देन एंगल सी फाइंड आउट करना है, साइड सबको गिवन है, तो मैं कॉस सी का फॉर्मूला यूज करता हूं। कॉस सी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ए स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज सॉरी ए स्क्वायर क्या है रूट 3 का स्क्वायर है, ए मीन्स वॉट रूट 3 का स्क्वायर, b means 1 का स्क्वायर एंड c means 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, 2a into b, so root 3 का स्क्वायर विल बी 3 प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3, तो ये 4, अच्छा ये 0 आ गया, तो cos c 0 कब होता है, जब एंगल यहां पे 90 होगा, cos 90 0 होता है ना, तो ऑप्शन a विल बी द राइट आंसर, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन a करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 cot 2 theta is equals to cot square theta minus tan square theta, then the general value of theta is, तो यहां पे theta की general value क्या आएगी, देखो अभी 4 cot 2 theta है तो ये 4 है, cot 2 theta इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे tan 2 theta, है ना, that is equals to cot square theta, चलो सबको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं ना, सबको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये tan square है तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन सॉरी कॉट स्क्वायर है तो माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वाला लेफ्ट साइड में जाके क्या होगा प्लस होगा इक्वल टू 0, है ना, क्लियर। अब टैन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इज इट क्लियर, टैन 2 थीटा का फॉर्मूला इज 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस
tan square theta equal to 0. अब यही पार्ट ऊपर जाएगा और ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बचेगा फिर 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस tan square theta, है ना, ये 2 के साथ 1 माइनस tan square theta, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे tan theta माइनस 1 अपॉन tan square theta प्लस tan square theta इक्वल टू 0, राइट, याद है, क्लियर, यस। चलो अब एक काम करते हैं, सबका एलसीएम यहां पे मतलब डिनोमिनेटर सेम करते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम करेंगे तो क्या होगा, ये 2 tan theta, क्योंकि यहां पे एक tan की जरूरत है, ठीक है, उधर फिर चलो एक काम करें, यहां पे हम 1 माइनस कुछ कॉमन मिल सकता है, जस्ट अ मिनट, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर, ओके 1 माइनस tan स्क्वायर, cot स्क्वायर 1 बाय tan स्क्वायर लिखा हमने और वो प्लस tan स्क्वायर हो गया, चलो सबका, बट यहाँ पे हाँ चलो सबको यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इसका सेम करते हैं, तो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर बना दे सबका डिनोमिनेटर, तो यहां पे और एक tan की जरूरत है, क्योंकि tan तो है तो और एक tan आएगा यहां पे, फिर यहां पे तो tan स्क्वायर है तो उसका 1 लिखा मैंने, यहां पे नीचे tan स्क्वायर है ही नहीं तो पूरा tan स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो tan की पावर 4 हो जाएगा और फिर सबका डिनोमिनेटर यहां पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, और ये इधर जाके क्या होगा फिर 0 होगा, राइट। नाउ अब देखो यहां पे 2 tan थीटा और ब्रैकेट में क्या है पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब ये tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 आएगा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अब इसको भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो दिस इज 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके पास भी आएगा फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहां पे माइनस साइन कॉमन लेके टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ले रहा हूं कॉमन, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉमन, तो बचा क्या फिर 2 tan थीटा, इसके पास तो 1 माइनस tan स्क्वायर नहीं है, मैंने क्या किया फिर माइनस साइन लगाया और फिर ये 1 माइनस tan स्क्वायर बन गया, उसको कॉमन दे दिया और माइनस साइन इसको जाएगा फिर अभी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो बचा क्या मेरे पास यहां पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा 2 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये बन गया हमारा, यहां पे भी अगर फिर से एक बार माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, फिर से एक बार माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अब ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से माइनस साइन कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव चाहिए इसलिए माइनस साइन बाहर लिया, अब इस माइनस को उधर भेज दो वो प्लस ही हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है पता है, tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये दो फैक्टर्स आ गए अभी, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 और 1 माइनस tan थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 होगा या फिर वो 0 होगा, तो यहां से मिल रहा है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहां से मिल रहा है हमें tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा, देखो tan थीटा इक्वल टू 1 तो ठीक है, इससे तो पाई बाय 4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4, जनरल सोल्यूशन फॉर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, यहां पे पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होगी तो n पाई प्लस माइनस आएगा एक्चुअली, हां n पाई tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा है तो यहां पे आंसर आएगा प्लस माइनस, है ना, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, ठीक है, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, यस ऑप्शन डी, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी अगर आपको ऐसा कुछ दिया है ए कॉस स्क्वायर सी बाय 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाय 2 इज इक्वल टू 3 बी बाय 2, देन एबीसी कैसे होंगे, एपी जीपी एचपी
एपी भी नहीं, जीपी भी नहीं, क्या है? तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, ए कॉस स्क्वायर सी बाय टू का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, और कॉस स्क्वायर सी बाय टू का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस सी बाय टू। अरे समझ में, इसका ये फॉर्मूला होता है प्लस सी, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाय टू, दैट इज इक्वल्स टू होगा 3b बाय टू, दैट इज इक्वल्स टू होगा 3b बाय टू। नाउ अब देखो, दो इधर से 2 2 2 कॉमन एंड इस एक 2 के साथ कैंसिल, ठीक है। नाउ a को अंदर भेजो तो a इंटू 1 मतलब a होगा, और माइनस a cos c प्लस c इंटू 1 c होगा, एंड दिस इज c cos a इज इक्वल्स टू 3b। नाउ a प्लस c सेपरेट करो और इन दोनों का माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a cos c प्लस c cos a, ये प्लस सी और ये सी और ये कॉस सी, है ना। तो देखो ए प्लस सी बाहर लिया, इनका माइनस साइन कॉमन, तो ए कॉस सी माइनस साइन तो बाहर है, तो सी कॉस ए, सी कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3b। तो ए प्लस सी माइनस, ये तो प्रोजेक्शन रूल है, ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए होता है बी, है ना, तो माइनस बी इज इक्वल टू 3b, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है, सॉरी यहां पे प्लस आएगा, कॉस स्क्वायर है तो प्लस आएगा ये, ठीक है, ये सब प्लस आएगा तो प्लस रहेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर होता तो ये माइनस आता था, कॉस स्क्वायर है इसलिए प्लस आता है, तो ए प्लस सी और ये प्लस बी, तो 3b माइनस बी क्या होगा फिर 2b, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। तो ऐसा रिलेशन जब भी मिलता है, ऐसा रिलेशन जब भी मिलता है तब हम बोलेंगे कि एपी में है, ठीक है, एपी में है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि अगर तीन टर्म्स है हमारे पास एबीसी, एबीसी अगर एपी में होते हैं तो हमें पता है कि बी हमेशा किसके बराबर आता है, ए प्लस सी बाय टू। देयरफॉर यही पे हम बोल सकते हैं कि 2b इज इक्वल टू क्या होगा, 2b इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सी। तो ये एपी में है, ये रिलेशन हमें मिल गया, ए प्लस सी इक्वल टू 2b, तो एपी में है ये, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब इन ट्राइंगल एबीसी साइन स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर बी इक्वल टू साइन स्क्वेयर सी है, देन एबीसी ये कौन सा ट्राइंगल है, तो यार ये तो सिंपल है, कोसाइन रूल लगेगा यहां पे, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, के ए स्क्वायर प्लस साइन रूल लगेगा, मैंने कोसाइन बोला क्या, साइन रूल लगेगा, है ना, के बी स्क्वायर इज इक्वल टू के सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये के स्क्वायर के कॉमन और कैंसल, है ना, के स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां पे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर के स्क्वायर कॉमन तो ये कैंसल, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये तो यार पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। सो एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा फिर, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ द वैल्यू ऑफ कॉस, कॉस इनवर्स है, तो ये कॉस है, अंदर क्या है इसके, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू, इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो अभी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो इसकी वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं ना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट टू, इसको सपोज अल्फा कंसिडर किया तो यहां से कॉस अल्फा क्या आएगा, माइनस वन बाय रूट टू, है ना। तो अब कॉस की वन बाय रूट टू वैल्यू कहां पे आती है, पाई बाय फोर पे आती है, बट ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब कहां कहां पे आ सकता है, ये नेगेटिव है मतलब ये आएगा सेकंड या फिर थर्ड में, बट कॉस इनवर्स है तो ये सेकंड में ही आएगा, क्योंकि कॉस की रेंज क्या होती है, जीरो टू पाई, तो यहां पे अल्फा इक्वल टू क्या आएगा फिर हमारा, पाई माइनस पाई बाय फोर, सेकंड क्वाड्रेंट वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो पाई माइनस पाई बाय फोर मतलब क्या होगा, 3π/4, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट वैल्यू मुझे मिल गई यहां पे 3π/4 प्लस दिस इज π/4, तो दिस इज कॉस, ये होता है कॉस। नाउ डिनोमिनेटर सेम, 3π + π 4π, ये कैंसिल, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या आएगी, -1, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ sec x प्लस रूट टू, तो यार sec x प्लस रूट टू है, तो इसको मैं sec x इज इक्वल टू माइनस रूट टू लिख सकता हूं, उधर भेज दिया,
sec को अगर reciprocal किया तो cos होता है, और इसका reciprocal किया तो ये, अरे ये तो अभी अभी हुआ है हमारा, है ना। तो देखो बट ये इनवर्स नहीं है ना, सिंपल फंक्शन है। तो cos कहां कहां पे नेगेटिव होता है, वैसे ये वैल्यू पाई बाय फोर है, बट पाई बाय फोर कौन सा, सेकेंड क्वाड्रेंट का आएगा, और cos नेगेटिव थर्ड में भी होता है, तो पाई प्लस पाई बाय फोर भी आएगा, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, क्योंकि cos सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो पाई माइनस पाई बाय फोर विल बी इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर, एंड पाई प्लस पाई बाय फोर विल बी इक्वल टू फाइव पाई बाय फोर, ठीक है। सो थ्री पाई बाय फोर एंड फाइव पाई बाय फोर है ही नहीं कहीं पे, चलो इसी को करेक्शन कर दो, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर है, अच्छा आपके पेपर में भी नहीं था, है ना। तो आपको यहां पे 5 पाई बाय 4 करना पड़ेगा, तो 3 पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए है, बट क्वेश्चन पेपर में भी ये मिस्टेक है, तो आप करेक्ट कर लेना, 3 पाई बाय 4 5 पाई बाय 4 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए में मैंने कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इन ट्रायंगल एबीसी विद यूजुअल नोटेशंस, ए अपॉन कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस बी प्लस सी, सॉरी इज इक्वल टू सी अपॉन कॉस सी, ऐसा जब भी होता है ना तो ये ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक, एज अ शॉर्ट ट्रिक याद रखो, इक्विलैटरल। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, किसी दो रिजल्ट को यहां पे एक साथ ले लो, फिर इनको सिंप्लीफाई करो, फिर इनको सिंप्लीफाई करो, तो आपको ये जो ट्रायंगल्स है ना इक्विलैटरल मिलेंगे, या तो तीनों साइड्स इक्वल मिलेंगे या फिर तीनों एंगल्स इक्वल मिलेंगे, तो ये होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल विद यूजुअल नोटेशंस। इफ द एंगल्स ए बी सी आर इन एपी, एंगल ए बी सी एपी में है, जैसे उन्होंने बोला एबीसी एपी में है, तो जो सेंटर वाली वैल्यू होती है उसको ट्वाइस करो और एंड वाले वैल्यूज को ऐड कर दो, या फिर डायरेक्टली बताता हूं मैं शॉर्ट ट्रिक, एबीसी अगर एपी में है तो बीच वाला जो एंगल है वो हमेशा कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा हमेशा, ठीक है। एंगल एबीसी अगर एपी में है तो बीच वाला जो भी लिखा है एंगल बी वो हमेशा 60 आएगा, ठीक है। तो हमें दिया रेशियो बी इज टू सी, बी इज टू सी रेशियो क्या दिया है, रूट थ्री इज टू रूट टू, और बी एंगल हमें पता है 60 है, तो फिर बी साइड का करेस्पॉन्डिंग एंगल 60 आना चाहिए, और cos 60 की वैल्यू, सॉरी sin 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाय टू, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये जुगाड़ कर रहा हूं मैं, ये जुगाड़ है, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब क्या कर रहे सर ये, बेटा बी की वैल्यू हमें मिल गई 60, और साइन रूल यूज होने वाला यहां पर, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाय टू, साइन बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, तो जो b है उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे रूट थ्री दिख रही है, इसको मैं ऐसा क्या करूं तब ये रूट थ्री बाय टू बनेगा, तो 2 से डिवाइड करो, a को तो नहीं कर सकते, फिर इसको भी करना पड़ेगा, यस yes. तो अब ये बन गया रूट थ्री बाय टू, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बनेगा 1/√2, तो इससे पता चला कि ये 60 डिग्री है क्योंकि साइन 60 की वैल्यू है, बट ये किसकी वैल्यू है, ये तो 45 की वैल्यू साइन की, तो दो एंगल्स तो मुझे मिल गए, एक 60 है दूसरा 45 है, तो तीसरा क्या हो जाएगा फिर, तो यहां पे तीसरा जो आएगा वो कितना होगा, 75 होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नाउ अब अपना अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या बोल रहा है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विच ट्राइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे दो लाइन से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एक यहां पे है एक यहां पे है, ट्राइसेक्ट कर रही है मतलब इसका एंगल यहां पे कितना है, इंक्लिनेशन 30 है, और देखो ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ये 30 30 30 में डिवाइड कर रही है, तो ये 30 हो गया, तो इसका मुझे फाइंड आउट करना है यहां से, तो 30 प्लस 30 क्या होगा फिर 60 होगा, ठीक है। तो मान लो दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है, तो L1 का स्लोप क्या आएगा फिर, L1 जो है इसका स्लोप M1 इज इक्वल टू क्या आएगा, tan 30, क्योंकि इंक्लिनेशन उसका 30 है, और इसका स्लोप जो है M2 वो क्या आएगा, tan 60 विच इज इक्वल टू रूट 3, है ना। तो देखो पहली जो लाइन है हमारी y इज इक्वल टू, चलो इसकी लाइन भी लिख देता हूं मैं, इसकी लाइन क्या आएगी फिर, y इज इक्वल टू mx, क्योंकि ओरिजिन से पास होने लाइन से, तो y इक्वल टू mx, तो ये हो जाएगा रूट 3y, और उधर बचा सिर्फ x, उसको लेफ्ट साइड में ले लो, तो ये हो गया इक्वेशन 1। इसका इक्वेशन देखो क्या आएगा, अभी इसका क्या आएगा, y इज इक्वल टू रूट 3x, तो y माइनस रूट 3x इक्वल टू 0। अब दोनों का बस कंबाइन इक्वेशन फाइंड आउट करो, दोनों का कंबाइन इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस
रूट थ्री एक्स वो पहले लिखा मैंने और फिर रूट थ्री वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इंटू रूट थ्री वाई तो रूट थ्री वाई स्क्वायर, वाई इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स वाई, माइनस रूट थ्री एक्स रूट थ्री वाई तो रूट थ्री तो मल्टीप्लाई हो गया थ्री बनेगा, माइनस थ्री बनेगा क्योंकि माइनस ये प्लस है एक्स वाई और ये माइनस माइनस प्लस रूट थ्री एक्स स्क्वायर। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहां पे रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई, ये रूट थ्री नहीं है, यहां पे माइनस साइन चाहिए बीच में तो यही है ना रूट थ्री एक्स स्क्वायर, ये पहले लिखना माइनस फोर एक्स वाई और प्लस रूट थ्री वाई स्क्वायर। तो 14 का ऑप्शन बी है, 14 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय आर कोइंसिडेंट, ये लाइंस कोइंसिडेंट कब होगी जब एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी इक्वल टू जीरो होगा, या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी बोलना है ना। तो लाइंस कोइंसिडेंट कब होती है ऐसी, जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। तो यहां पे एच क्या है, यहां पे अगर मैं देखूं तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2h, ये एक्स वाई के साथ जो होता है 2h होता है, तो h इज इक्वल टू आएगा माइनस टू, ए इक्वल टू होगा 4, b इक्वल टू होगा यहां पे k, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए क्या है 4 इंटू बी क्या है k, तो दिस इज 4 इज इक्वल टू 4k, तो k इज इक्वल टू आएगा 1, ठीक है, k इज इक्वल टू 1, ऑप्शन डी 15 का ऑप्शन डी, यस 15 का ऑप्शन डी है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। इफ सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, अच्छा ये जो इसमें जो दो लाइंस है इनका सम जो है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है, तो इसका सम मतलब क्या, एम वन प्लस एम टू, इसका सम मीन्स वॉट, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू है ट्वाइस द प्रोडक्ट, मीन्स टू टाइम्स ऑफ एम वन इंटू एम टू, टू टाइम्स दी एम वन इंटू एम टू, करेक्ट। तो ये एक्चुअली क्या होता है, एम वन प्लस एम टू इज माइनस टू एच बाई बी, दैट इज इक्वल टू टू, दिस इज ए बाई बी, तो माइनस टू एच मतलब ये पूरा, एक्चुअली टू एच है, टू एच की वैल्यू क्या है माइनस थ्री है, तो माइनस साइन टू एच की वैल्यू मतलब एक्स वाई के साथ जो है वो, तो माइनस थ्री है वो, और बाई बी, बी मतलब यहां पर क्या होगा वन, इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए बाई बी, ए इज के एंड बी इज वन, सो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा टू के, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अच्छा इज इक्वल टू बोला, डबल थोड़ी बोला है, तो दिस इज ए बाय बी, ए इज के एंड बी इज वन, तो ये के हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू थ्री, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, करेक्ट। नाउ क्या बोल रहे हैं, इफ द स्लोप ऑफ द लाइंस डिफर बाई टू, इन दो लाइंस का स्लोप जो है उनका डिफरेंस क्या है, टू है, तो डिफरेंस मतलब होता है एम वन माइनस एम टू, या फिर एम टू माइनस एम वन बोलो, इसलिए मॉड में लेता हूं, डिफरेंस टू है, तो इसको अगर मैं स्क्वायर ले लूंगा इसका, तो ये हो जाएगा एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि टेंथ में हमने पढ़ा था, एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एम वन इंटू एम टू, दैट इज इक्वल टू होगा फोर, बट एम वन प्लस एम टू क्या होता है माइनस टू एच बाई बी, सो सम ऑफ द स्लोप्स, एंड माइनस फोर ये क्या होता है ए बाई बी, एम वन इंटू एम टू क्या होता है ए बाय बी, सो माइनस टू एच, तो टू एच एक्चुअली इसका फोर है, तो माइनस टू एच करेंगे तो प्लस फोर आएगा, बाय बी तो दिस इज फोर बाय फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बाई बी विच इज के बाय 5, that is equals to 4, ठीक है? Now 4 का square will be 16 by 5 minus 4k by 5 is equals to 4, ठीक है? तो now 4 common and right side में भेज सकते हैं, तो this is 16 minus 4k is equals to, ये 5 common उधर भेज दो 20 हो जाएगा, तो 4k को इधर भेजो तो plus हो जाएगा, 20 को इधर भेजो तो minus हो जाएगा, तो minus 4 आएगा क्योंकि 16 माइनस 20 और k इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। ओहो कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, ऑप्शन तो कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा इसका फॉर्मूला ये है, तो माइनस टू एच बाई बी, ओके माइनस टू एच बाय बी माइनस टू एच का होल स्क्वायर, अच्छा ये यहां पे गड़बड़ कर दिया मैंने, पाई का स्क्वायर 25 आएगा ना, इसके आगे करते सॉल्व, ठीक है, पाई का स्क्वायर विल बी 25,
तो अब यहां पे हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई ताकि ये डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो फिर क्या होगा, अभी ये होगा 16 माइनस 20 के डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 4। तो 16 माइनस 20 के इज इक्वल टू 100। ठीक है, माइनस 20 के उधर जाके क्या होगा प्लस 20 के, और ये 100 इधर आके क्या होगा 16 माइनस 100 माइनस 84। तो k विल बी इक्वल टू माइनस 84 बाय 20। तो 4 से 4 5 जा और 4 माइनस 21 जा, तो आंसर विल बी माइनस 21 बाय 5। अब तो करेक्ट है, यस ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, एक्यूट एंगल क्या होगा, तो एक्यूट एंगल होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच क्या होगा, एक्स वाई का जो क्वेश्चन है उसका हाफ, तो मतलब माइनस कोसेक होगा, एच विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक, है ना। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, सो दैट इज इक्वल टू, ये होगा टू अंडर रूट ऑफ, ये कोसेक स्क्वायर माइनस है तो ये क्या होगा उसका प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे होगा टू, टू टू कैंसिल, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है कॉट स्क्वायर, तो ये आएगा कॉट थीटा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो दिस इज कॉट थीटा। ठीक है, मैं इसको थीटा नहीं अल्फा बोलता हूं फिर, है ना, क्योंकि थीटा थीटा सेम हो जाएगा, इसको मैं अल्फा बोलता हूं, इसको अल्फा बोलता हूं, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा। ठीक है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा है, तो इसको भी फिर टैन में कन्वर्ट करते कंपेरिजन के लिए, कॉट अल्फा है तो ये हो जाएगा टैन पाई बाय टू माइनस अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा फिर पाई बाय टू माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई बाय टू माइनस अल्फा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द लाइन। अच्छा, दो लाइंस है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, दो लाइंस है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, बट एक्स इक्वल टू वन इस लाइन से, एक्स इक्वल टू वन लाइन ऐसी आती है, एक्स इक्वल टू लाइन मतलब एक्स को वन पे कट करके जाएगी, इस लाइन के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है ऐसे दो लाइन से, मैं ऐसे एक लाइन लेता हूं, चलो ऐसे एक लाइन लेता हूं, है ना, तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है ये दो लाइंस, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब उनका एंगल 60-60 होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना 60-60, ये कंप्लीट 60 मतलब यहां पे आएगा 30 और यहां पे आएगा 30, आ रहा है समझ में, ये तो बाइसेक्ट करेगा ना, तो बस फिर L1 जो है इसको मैं L1 बोलता हूं, इसको मैं L2 बोलता हूं, है ना। तो इसका स्लोप क्या आएगा, tan 30 दैट इज इक्वल टू 1/√3, दोनों का भी स्लोप सेम ही आएगा, नहीं इसका अलग आएगा, ये एक्चुअली माइनस 30 होगा क्योंकि नीचे है ना, वो नीचे एंगल बन रहा है, तो ये माइनस 30 होगा। तो L2 दिस इज M2 इज इक्वल टू माइनस tan 30, tan माइनस ऑफ 30 है वो, tan ऑफ माइनस 30 है वो, क्योंकि नीचे है फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे जा रहे हम, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√3। तो इक्वेशन क्या आएगा फिर इसका, इसका इक्वेशन भी y इज इक्वल टू 1/√3x, सो रूट थ्री वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और इसका क्या आएगा y इक्वल टू माइनस 1/√3x, तो ये हो जाएगा रूट थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा अगर ऑप्शन नहीं है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करो, पहले एक्स स्क्वायर आएगा और फिर माइनस थ्री वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि राइट साइड में जीरो है ना, तो इसको ऐसे लिखो फिर ये ऐसा, या फिर ऐसा भी चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना। ऑप्शन कौन सा है, ये तो नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव साइन हमें नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ये है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब ए प्लस बी की वैल्यू जीरो होती है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी, है ना, तो पी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, मतलब पी की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए, माइनस थ्री, पी की वैल्यू माइनस थ्री, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, और आपको अगर क्यू फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है और ये रिप्रेजेंट कर रही लाइन को, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करो। ठीक है,
तो वहां से फिर आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी। बट ये सीटी का क्वेश्चन है तो एक वैल्यू मिल गई, पी की वैल्यू माइनस थ्री, बस एक ही ऑप्शन में, तो मैंने ऑप्शन ने टिक कर दिया। क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऑप्शन तो मिल गया ना, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके बीच में जो दो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, ऑप्शन उठा के डालो, x की वैल्यू 1 बाई सिक्स, वाई की वैल्यू 1 बाई टू पुट करो, ठीक है। तो मैं करके देखता हूं, x की जगह पे 1 बाई सिक्स और y की जगह पे 1 बाई टू करके देखता हूं, है ना। तो ये होगा 1 बाई टू का स्क्वायर, x के जगह पे 1 बाई सिक्स, y के जगह पे 1 बाई टू। तो देखो दिस इज 9 बाई 36 क्योंकि 6 का स्क्वायर होगा, ये होगा माइनस 1 बाई फोर, प्लस ये होगा 1 बाई टू एंड प्लस 1 बाई टू। तो ये 9 बाई सिक्स मीन 1 बाई फोर माइनस 1 बाई फोर। अब देखो ये पहले दो तो कैंसिल हो जाएंगे बट ये नहीं होगा ना, हमें सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वल टू जीरो आना चाहिए आंसर, तो नहीं पॉसिबल ही है ना, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब इसी से मैं चेक करके देखता हूं, दोनों नेगेटिव अगर पुट करो तो ये तो हमेशा पॉजिटिव बनने वाला है क्योंकि स्क्वायर है, दोनों नेगेटिव तो ये अंदर स्क्वायर बनेगा बट बाहर यहां पर निगेटिव आने वाला है, तो वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर तो कैंसिल होगा, बट इधर क्या होगा, ये निगेटिव पुट करो, दोनों निगेटिव हो जाएंगे, फिर कैंसिल नहीं होंगे, दोनों निगेटिव नहीं चलेंगे। तो फिर ये वाला नेगेटिव करता हूं तो ये बराबर 1 बाय 4 ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे। देन 1 बाय 2 यहां पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 1 बाय 6 और 1 बाय 2, यस। तो फिर ये अगर करके देखता हूं यहां पे, तो 1 बाय 6 पॉजिटिव और ये माइनस 1 बाय 2 है ना, तो इसको अगर करके देखते हो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड आएगा या ऑप्शन फोर्थ आएगा, एक बार चेक करके देखते हैं ना। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में बस साइन का चेंज है, इसको अगर माइनस दे दो तो क्या फर्क पड़ेगा, ये वाई है ना, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा वैसे भी, है ना, बट इधर क्या होगा अभी, ये 1/6 है पॉजिटिव तो प्लस 1/2 आएगा और ये हो जाएगा माइनस 1/2, तो कैंसिल तो होगा ना फिर वो, ठीक है। एक बार थर्ड और फोर्थ में चेक करके देखना ही पड़ेगा, थर्ड को चेक करते हैं ना, माइनस 1/6 पुट किया तो ये 1/4 आ गया, माइनस 1/6 का स्क्वायर 1/36 है तो 1/4 आया, माइनस यहां पे भी 1/2 पुट किया मैंने तो माइनस 1/4 आया, प्लस 3 ये माइनस 1/6 तो माइनस 1/2 आएगा, प्लस ये 1/2 तो 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा। बट 4 से क्या प्रॉब्लम होगा, फिर 4 से ये 1/4 तो आएगा, ये माइनस 1/2 यहां पर पुट करेंगे तो वैसे भी वो स्क्वायर है उसको प्लस करेगा, प्लस 3 तो ये होगा 1/2 और y की वैल्यू माइनस 1/2, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ऑप्शन क्या दिया है, 21 सी दिया है। एक बार चेक करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, ये दोनों भी चलेगा फिर यहां पे, 21 क्वेश्चन नंबर 21 ओके ओके एक बार चेक कर लेना, इसका आंसर सी तो सही है बट डी भी आ रहा है, डी भी सेम ही आएगा फिर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिर इसका फॉर्मूला भी होता है एक, है ना, ये वाला फॉर्मूला एच एफ माइनस बी जी वाला, ए बी अपॉन एच स्क्वायर देन जी एच माइनस ए एफ, है ना, वो एक बार चेक कर लेना, तो उस फॉर्मूला से भी आ जाता है, राइट। ऑप्शन सी तो भी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहां पर देख लेना कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ हो सकता है, तो ऑप्शन सी जो उन्होंने टिक किया वो बराबर है, ठीक है। इफ द लाइन्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ की, ऐसा अगर दिया जाता है कि लाइंस आर इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, दिस इज शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो यहां पे ए क्या है, ए इज इक्वल टू के इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 9, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहां पर, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट याद रखो। द स्लोप ऑफ द लाइन्स गिवन बाय आर, तो इसके अंदर जो दो लाइन्स है इनका स्लोप क्या होगा, तो इसके अंदर जो दो लाइन्स है उनका स्लोप इन दो लाइन्स के बराबर ही होता है, ये है हमारा होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे अभी, ये जो जनरल डिग्री सेकंड डिग्री इक्वेशन है
इसके अंदर जो दो लाइन्स है उनका स्लोप इन दो लाइन्स के बराबर ही होता है। ये तो ओरिजिन से पास होने लाइन है, बट ये जो पूरा जनरल सेकंड डिग्री है वो ओरिजिन से पास नहीं होती है, बट उनका स्लोप इनके ही बराबर आता है। तो इज इक्वल टू जीरो, या फिर छोड़ दो इसको, इसको मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाता हूं तो ये हो जाएगा 2xy - xy - y2। तो यहां से 2x कॉमन तो x प्लस y, माइनस 1 कॉमन तो x, सॉरी माइनस y कॉमन तो x प्लस y, फिर यहां पे आएगा x प्लस y एंड देन सेकंड लाइन इज 2x - y, है ना, ऑब्वियसली इक्वल टू जीरो हम करेंगे, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या होता है इस लाइन का, x प्लस y इक्वल टू जीरो माइनस a बाई बी, तो माइनस a बाई बी मतलब माइनस 1 आएगा और इसका माइनस a बाय बी, तो दिस इज माइनस 1 एंड 2, ठीक है, माइनस 1, 2। तो ऑप्शन इसका 23 है, माइनस 1, 2 मेरा आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। 23 का आंसर एक बार देख लो, ऑप्शन सी दिया आपके आंसर की में 23, यस ऑप्शन सी करेक्ट है, माइनस 1 और 2 आ रहा है। देन द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 विद द लाइन, ठीक है। देखो एंगल दिया है पाई बाय 6, मतलब मैं एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट यहां पे यूज करूंगा, ये एंगल दिया है, और इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, इसको मैं एम वन बोलता हूं, माइनस ए बाय बी, तो दिस इज माइनस 3। और लेट द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, दूसरी जो लाइन है उसका स्लोप हमें नहीं पता तो वो एम लेता हूं मैं, तो हमें फॉर्मूला पता है टैन थीटा इज इक्वल टू एम माइनस एम वन माइनस एम टू, तो यहां पे सेकेंड लाइन है उसका स्लोप माइनस 3 है, 1 + m1 × m2, ये ऐसा है ना। टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, दैट इज इक्वल टू एम प्लस 3, और नीचे हो जाएगा 1 - 3m, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा 3, सो m प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे 1 - 3m का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, ये 3 है, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 को अंदर भेज दो, तो ये 3 - 18m प्लस 27m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, ओके। अब 27m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या होगा, 26m स्क्वायर, ये माइनस 18 और ये माइनस 24 हो जाएगा फिर, है ना, और ये 3 और माइनस 9 माइनस 6 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 13m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहां पे m को हम रिप्लेस करेंगे, m के जगह पे पुट करेंगे x बाय y, ठीक है, x बाय y की y बाय x, y बाय x, ठीक है, m इज इक्वल टू y बाय x पुट करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये होगा y बाय x का होल स्क्वायर माइनस 12 y बाय x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो दिस इज 13 y स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा, बट एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ऐसा आएगा, ठीक है, पहले दो पॉजिटिव लास्ट वाला नेगेटिव, हाँ, बट 3x² प्लस 12xy माइनस 13y², अब तो ये भी एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, देखो, अच्छा यहां पे 13 है, यहां पे 13 है, और हमारा क्या आ गया, अच्छा 13 ही हमारा, तो आंसर क्या दिया यहां पे, 24 का आंसर भी दिया है, बट गलत लग रहा है मुझे, एक बार चेक करता हूं मैं, 13m² है तो 13 के साथ y² आना चाहिए, 13 के साथ y² है, 13 के साथ y² बराबर है, ओके, सो ये आंसर नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए, एक बार चेक करना, ठीक है। 24 नंबर 13x² जस्ट अ मिनट, हाँ ओहो
आया समझ में, ये tan 60 नहीं, ये 30 है, ये 30 है तो फिर यहां पे 1/3 आएगा, गॉट इट, ये 1/√3 होगा, 1/√3 उसका स्क्वायर क्या होगा 1/3, मैंने tan 60 की वैल्यू ली थी, पाई बाय 6 वो 30 है, तो ये 3 यहां पे नहीं आएगा, ये 3 यहां पे जाएगा, ठीक है, पूरा चेंज ही करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट मैं पूरा चेंज कर देता हूं। देखो एक गलती की वजह से देखो आंसर गलत आया और उसको ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ऐसे होता है एग्जाम में। तो अब स्क्वेयरिंग करो दोनों साइड से, तो दिस इज एम प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके साथ जाएगा ना, तो ये ऐसा होगा 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3m का होल स्क्वायर, तो दिस इज 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3m स्क्वायर है, देखो भैया 3m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर क्या होगा 12m स्क्वायर, ये 3 इंटू 6 18 और ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा तो 24m, ये 27 और ये इधर आके क्या होगा 26 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, यस। अब इनको 2 से डिवाइड करते हैं, इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6m स्क्वायर प्लस 12m माइनस 13 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब यहां पे पुट करते हैं m इज इक्वल टू y बाय x, m की जगह पे y बाय x पुट करेंगे तो डायरेक्टली आंसर लिखता हूं मैं भी, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 12y 12xy माइनस 13x स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा ना, 3m स्क्वायर और ये 9 उधर गया ना, 3 क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, ये 3m स्क्वायर है यार, 3m स्क्वायर और ये 9m स्क्वायर, तो 6m स्क्वायर आएगा फिर उधर जाएगा, एक मिनट रुको, गड़बड़ कर दिया हमने शॉर्टकट के चक्कर में, ये 9m स्क्वायर है, ये 3m स्क्वायर, 9m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर 6m स्क्वायर, सब राइट साइड में जा रहा है, माइनस 6m ये 18 तो ये भी उधर जाके माइनस होगा, तो माइनस 6 और 18 माइनस 24, ठीक है। अब ये 1 है और ये 18 सॉरी 27, उधर जाके 1 माइनस 27 माइनस 26 इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 13 इक्वल टू 0, है ना। अब पुट करो यहां पे y बाय x, पुट m इक्वल टू y बाय x, है ना, m इक्वल टू y बाय x पुट करेंगे तो यहां पे 3 के साथ ऊपर y है ना, तो y स्क्वायर आएगा, ठीक है, y स्क्वायर आएगा, देन माइनस 12 बीच वाले टर्म के साथ एक्स वाई आएगा और माइनस 13 एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव चाहिए तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस वाली टर्म बीच वाली प्लस हो गई और ये माइनस हो जाएगी, तो अब आंसर मैच कर रहा है मेरा ऑप्शन बी के साथ, यस ऑप्शन बी यहां पे भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, तो 24 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यस बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, है ना, कोइंसिडेंट जैसे बोला तो इसका मतलब होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो यहां पे एच क्या है, एच इज इक्वल टू माइनस 3, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 9, और ए इज इक्वल टू दिस के प्लस 1 एंड बी इज इक्वल टू के माइनस 7, तो यही पे पुट कर दो, माइनस सॉरी एच स्क्वायर 9 होता है और दिस इज के प्लस 1 एंड के माइनस 7, ठीक है। अब अगर ऑप्शन से भी जाएंगे तो भी आंसर आएगा, एक बार आप k की वैल्यू ना 8 कंसिडर करके देखो, 8 तो 8 प्लस 1 9, 8 माइनस 7 1, तो 9 इंटू 1 9 करेक्ट है, माइनस 2 पुट करके देखो, 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 9 करेक्ट है, फिर ये दो मैच कर रहे दोनों भी, है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओके सो डन डन डन। तो ये था हमारा पार्ट टेस्ट 6 का सॉल्यूशन, आई होप आप सबको क्लियर है कैसे सॉल्व किया है और इच एंड एवरी कंसेप्ट यहां पे एक्सप्लेन हुआ है, जहां पे छोटे मोटे कुछ मिस्टेक्स थे वहां पे करेक्शन भी हमने किया है, तो आपने भी इसको क्रॉस चेक किया होगा और आपके सारे आंसर्स अभी आपको समझ में आ गए हैं, तो यहां पे हम रुकते हैं, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।